हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में जिसका सब्जेक्ट कोड BAS 2003 होता है, उसमें हम यूनिट 1, 2, 3, 4 इन चारों यूनिट का वन शॉट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज जो हमारा वन शॉट रिविजन होने वाला है वो लास्ट यूनिट यूनिट 5 का होना है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। और यूनिट 4 में पढ़ा था आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे पहले वो जान लेते हैं और फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन आपको बताया था, एनालिटिक फंक्शन को ही यूज करके हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन पर जाते हैं, उसी का हमें यूज करना है FZ फंक्शन का। तो यहाँ पर हम इस वन शॉट में कवर क्या क्या करेंगे, पहले हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है उसको विद एग्जांपल जानेंगे, फिर हम कोची की इंटीग्रल थ्योरम जिसको कोची फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं वो कवर करेंगे, फिर आएगा इसमें कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले कवर करेंगे, और फिर इसमें आता है टेलर्स एंड लोरेंट सीरीज। FZ फंक्शन की हम टेलर्स और लोरेंट सीरीज फाइंड करना सीखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज उसके टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल हम कवर करेंगे, फिर इसमें आपको सिखाया जाएगा पोल्स और रेजिड्यूज को फाइंड करना, ठीक है। फिर इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम, पोल्स के लिए कोची रेजिड्यू थ्योरम बनती है, और फिर लास्ट में आता है रेजिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशन जिसको आप कॉन्टूर इंटीग्रेशन भी कहते हैं, और एप्लीकेशन करेंगे इन दो टाइप के इंटीग्रेशन में, 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, एंड दूसरा होता है -∞ से ∞ FX dx टाइप। तो ये सभी चीजें हम विद एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, लेकिन एक एक एग्जाम्पल से करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस के वेरिएशन चाहिए तो आपको डिटेल वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर के क्वेश्चंस के वेरिएशन देखने होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई एक क्वेश्चन फिक्स नहीं होता है किसी टॉपिक का कि यही आएगा, वो बात अलग है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं इनसे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि पहले डिटेल वीडियोज को देखें, फिर आप वन शॉट करेंगे तो आपको चीजें समझ में अच्छे से ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, आपने रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन इंटरमीडिएट में पढ़ा है ना, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको 1 से 5 तक इंटीग्रेशन करना है तो या तो आप डायरेक्टली 1 से 5 कर दो, या फिर मिडिल में आप 2 पढ़ता है तो 1 से 2 प्लस 2 से 5 ऐसे भी करेंगे तो आंसर दोनों से सेम आता है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्या होता है, चूंकि जेड वेरिएबल है और वो दो वेरिएबल से मिलके बनता है एक्स और वाई से, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो बनेगा वो इस तरह का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन CFZ dZ, इसको हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें FZ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन इन्वॉल्व है और जेड यहां पर होता है X+IY, दो वेरिएबल से मिलके बनता है, तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा। अगर आप इसको किसी कर्व के अबाउट फाइंड करते हैं, मान लो ये कर्व है आपका, ठीक है, इस कर्व के अबाउट में इसको फाइंड करते हैं तो ये हमारा लाइन इंटीग्रेशन भी कहलाता है। क्या कहलाएगा, हमारा लाइन इंटीग्रेशन भी कहलाता है। फिर अगर सेम इंटीग्रेशन को इस तरह आप इंटीग्रेशन के बाहर एक सर्कल लगा दे इस तरीके से, ठीक है, और FZ dZ, तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये शो करता है कि आपका जो कर्व है वो क्लोज्ड है। वो कैसा कर्व है, वो क्लोज कर्व है। तो क्लोज कर्व के अबाउट में अगर आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं तो वो कॉन्टूर इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल वैल्यूड जो इंटीग्रेशन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है ये पाथ पर डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जाओगे पाथ को लेकर के, तो आपका इंटीग्रेशन कुछ और वैल्यू दे सकता है। पैराबोलिक पाथ लोगे तो आपका इंटीग्रेशन कुछ और वैल्यू दे सकता है। एक दो एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें इक्वल वैल्यू आ जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रेशन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। इससे अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स में से क्वेश्चन आता है। हमें कहा है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन आपको दिया है, सॉल्यूशन लिख करेंगे हम इसका। इंटीग्रेशन आपको दिया है 0 से 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आई और z-z bar और dz, ये हमें इंटीग्रेशन गिवन है। सबसे पहले इसकी लिमिट हम फाइंड करते हैं। हेयर जो लिमिट्स आपको गिवन है वो दी है z=0 से लेकर के z=1 प्लस आयोटा तक। जीरो का मतलब होगा
ओरिजिन 0 0 पॉइंट, और 1 प्लस आई का मतलब होगा पॉइंट फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। अगर ए प्लस आई बी आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पॉइंट बनेगा ए कोमा बी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से हम जो है उसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस आई को भी ऐसे ही हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो उसका पॉइंट बनेगा 1 कोमा 1। तो यहां पर लोअर लिमिट दिया आपको 0 0 और अपर लिमिट दिया आपको 1 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पाथ लेना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पाथ यहां पर गिविन नहीं है, तो 0 0 और 1 1 से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आप लगा देंगे, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर इसमें पॉइंट रखेंगे एक्स वन वाई वन की वैल्यू 0 0 और वाई टू वाई वन की वैल्यू 1 माइनस 0, ऐसे ही 1 माइनस 0 और ये x माइनस 0, तो उसको सॉल्व करके आपको पाथ मिलेगा y इक्वल टू x। तो अगर आपके पास दो पॉइंट है तो हम उससे जो मिनिमल फॉर्म का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन बन सकता है, स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पाथ बन जाएगा y इक्वल टू x, यानी कि हमें जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारी y इक्वल टू x लाइन है, ये हमारा पाथ है जिस पर हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और कहां से कहां तक, फ्रॉम द पॉइंट 0 0 से लेकर के यहां पर मैं मान लेता हूं फ्रॉम द पॉइंट 1 1, इस पाथ के अलोंग हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लोअर लिमिट दी है 0 0, अपर लिमिट दी है 1 1। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी इंटीग्रेशन आपको दिया उसको एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में बदलता हूं, ये पॉइंट हो जाएंगे 0 0 से लेकर के 1 1। ठीक है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एज ए कॉन्स्टेंट, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो इसको मैंने निकाला बाहर 1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा आपका जेड माइनस जेड बार। जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, और जेड बार की वैल्यू होती है एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, ऐसे ही आप डी जेड की वैल्यू, ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई है तो डी जेड की वैल्यू आती है डी एक्स प्लस आई डी वाई, ये हमारी dz की वैल्यू होती है। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे dz की, वो होगी dx प्लस आई डी वाई, यानी कि z का हमने डिफरेंशिएशन करके जो आया है वो लिखा है। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन x y की फॉर्म में। अब जो पाथ हमारा है वो यहां पर यूज करना है, आपको पाथ जो मिला है वो y इक्वल टू x मिला है, तो इससे आपको dy की वैल्यू मिलेगी dx। आपको करना क्या है, इस पूरे इंटीग्रेशन को ये तो x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या पूरे इंटीग्रेशन को y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस पाथ को यूज करते हुए। तो हम इसमें y को x रख देते हैं, तो ये मिलेगा 1 प्लस आई। ठीक है, यहां पर y को देखा जाए, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ये x से x कटेगा 2 आई वाई मिलेगा, और यहां से बचेगा आपका ये डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है, और लिमिट है 0 0 से 1 1। फिर हम 1 प्लस आई को बाहर रखते हैं और यहां पर y की वैल्यू डाल देंगे x। ठीक है, इस 2i को भी मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो 2i भी बाहर आ जाएगा इनटू में होगा 2i, और अंदर आपको मिलेगा y और ये डी एक्स प्लस आई डी एक्स। तो पूरा इंटीग्रेशन हम x में बदल देंगे, है ना, y की वैल्यू भी रख देते हैं, y की वैल्यू हमारी होगी x, तो यहां पर x रखा। ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो है हमारा x की फॉर्म में बदल गया। तो लिमिट भी हम x की यूज करेंगे, x की लिमिट है जो पहला कोऑर्डिनेट है 0 से 1, तो x की लिमिट लाई करेगी 0 से लेकर 1 तक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये अब आपका रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन जैसे होता है एक वेरिएबल का, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पाथ को यूज करके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके मिलेगा 1 प्लस आयोटा इंटू में 2i पहले से बाहर है, और यहां सर आपको मिलेगा x की लिमिट 0 से 1, और इसमें से भी dx को कॉमन ले लेंगे, और dx को कॉमन लेके 1 प्लस आई मिलेगा, यानी कि बाहर हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर x का इंटीग्रेशन बचा है, x का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 1, और बाहर आपको मिलेगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और 2i ऑलरेडी वहां पर है। ठीक है, यहां से आपको जब आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, चूंकि आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू रखने पर ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहां पर 2i और 2i मिलेगा, 2i और 2i का मतलब होगा 4i स्क्वायर। ठीक है, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा, इसमें भी अपर लिमिट 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये मिलेगा। आफ्टर सॉल्विंग आई स्क्वायर की फिर से वैल्यू रखते हैं
आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो बाहर हो जाएगा -1 अप -4 1 अपॉन 2, और आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट -2। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी -2 आएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हमें पाथ दिया होता है, अगर पाथ जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे। अगर पाथ आपको नहीं दिया, केवल लिमिट दी है, तो दो पॉइंट बना करके आप इस तरह स्ट्रेट लाइन बना के पाथ को बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पाथ चलेगा, और फिर हम यहाँ पर पाथ को यूज करके इंटीग्रेशन को एक्स में बदलते हैं, और एक्स में बदल के उसको रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो पाथ वाला मेथड है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अभी तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया, दो नंबर में आता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी इसके क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। किस केस में लेंथी हो गए? यदि आपको इंटीग्रेशन इस तरह का दे दिया जाए और पाथ आपको इस तरह सर्किल का दे दिया जाए। तो इसी कमी को पूरी की थी कोची ने। कोची ने कुछ फॉर्मूले, कुछ थ्योरम को बनाया था, जिससे कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो काफी टफ हो जाते थे इंटीग्रेशन पाथ वाले मेथड से, ठीक है, तो उनको हम कोची के इंटीग्रल थ्योरम और कोची के इंटीग्रल फॉर्मूलों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहां पर कोची की इंटीग्रल थ्योरम, जिसको कोची की फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं। कोची की फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट समझते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, एफ जेड कोई फंक्शन है, आपके पास कोई क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व मैंने माना, क्लोज कर्व किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या सर्कल, किसी भी फॉर्म में आपका क्लोज कर्व हो सकता है। तो अभी मैंने क्लोज कर्व माना है, और एफ जेड कोई फंक्शन है जो इसमें एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब, यहाँ पर हम एक एक पॉइंट पे एनालिटिसिटी चेक नहीं करेंगे। एनालिटिक का मतलब आपको ये देखना है कि फंक्शन किन पॉइंटों पर इन्फिनिटी बनेगा, उसके सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे। सिंगुलर पॉइंट का मतलब जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, और जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है वो इस कर्व से अगर बाहर है, ठीक है, इस कर्व में लाई ना करे, तो फंक्शन हमारा इस कर्व पर विद इन एंड ऑन एनालिटिक होगा। मतलब कहने का ये है कि इस कर्व के अंदर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू ना दे किसी भी पॉइंट पर, तो फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। इस कर्व के अंदर एफ जेड जो फंक्शन है किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी वैल्यू ना दे, तब हम कहते हैं कि एफ जेड इस कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री पर क्या है, एनालिटिक है। अगर इस क्लोज कर्व सी पर ये एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है, तब हमारी थ्योरम कहती है कि अगर हम इस एफ जेड फंक्शन का इंटीग्रेशन इस क्लोज कर्व सी के अबाउट में निकाल दे, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। ये कहती है कोची की इंटीग्रल थ्योरम। मतलब अगर क्लोज कर्व सी के अंदर और बाउंड्री पर कहीं पर भी फंक्शन इन्फिनिटी ना बने किसी भी पॉइंट पर, तो उसका उस क्लोज कर्व सी के अबाउट में इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये कोची की इंटीग्रल थ्योरम कहती है। कुछ बातें बताइए यहां पर जो आपको याद रखनी है। द पॉलिनोमियल इन जेड, जेड में कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे कि मैंने लिखा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, या फिर जेड स्क्वायर ही लिख लिया, या जेड की पावर 3 लिख दिया, या जेड स्क्वायर माइनस 2z लिख दिया। तो इस तरीके से कोई भी जेड में आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में फंक्शन है, तो वो हमेशा एनालिटिक होता है। ये मैंने बताया इस नोट में। साइन जेड फंक्शन हमेशा एनालिटिक होता है, कोज जेड फंक्शन हमेशा एनालिटिक होता है, ई की पावर जेड फंक्शन, ई की पावर माइनस जेड फंक्शन हमेशा एनालिटिक होते हैं, है ना। ये एनालिटिक एवरीवेयर, जो कि आप यूनिट 4 में कर चुके हैं, सफिशियंट कंडीशन फॉर द एनालिटिक फंक्शन, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, सारे फंक्शन जो है एनालिटिक होते हैं। अगर ये कहीं पर भी फंक्शन बनेंगे तो उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, ये एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं, तो क्लोज कर्व सी में भी एनालिटिक रहते हैं, ठीक है। दूसरा, एनालिटिक के लिए कंफ्यूजन ना हो, तो नोट में मैंने लिख दिया कि अगर एफ जेड फंक्शन हमारा इन्फिनिटी वैल्यू दे दे किसी पॉइंट जेड इक्वल टू ए पर, तब हम ये कहते हैं कि जो एफ जेड है वो उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। अगर एफ जेड फंक्शन किसी ए पॉइंट पर इन्फिनिटी बन जाए, तब हम कहेंगे एफ जेड फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम पोल कहते हैं या सिंगुलर पॉइंट कहते हैं एफ जेड के लिए, जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है पॉइंट पर, है ना, उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और वो पॉइंट पोल या सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, जो कि लास्ट तक चलेगा कोची रेजिडुअल थ्योरम तक। अब हम इस कोची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल में। ये हमारा फंक्शन है और ये हमें दिया है, ये हमारा इंटीग्रेशन है जो हमें इवेल्युएट करना है, और यहां पर एक रीजन दिया है, क्लोज कर्व दिया है सी मोड जेड इक्वल टू हाफ की फॉर्म में, मोड जेड इक्वल टू हाफ जो कि सर्कल बनेगा, ठीक है। और सर्कल की शायद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता है, फिर से बता देता हूं, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। ये जेड नोट होता है सेंटर,
ठीक है, और ये आर होती है सर्कल की रेडियस। तो ये हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। यानी कि अगर इसकी कंपेयर आप यहां पे करोगे तो यहां पर मोड जेड को आप लिख सकते हैं जेड माइनस जीरो और इक्वल में लिख सकते हो हाफ। इसका मतलब सेंटर तो है ओरिजिन और रेडियस है हाफ। यानी कि हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर तो ओरिजिन होगा और रेडियस जिसकी 1/2 होगी। तो ये सर्कल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये हमारा सेंटर है इसका ओरिजिन 0 0, इसकी चूंकि रेडियस हाफ है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1/2, 0। ये पॉइंट हो जाएगा -1/2, 0। इन पॉइंटों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ऐसे ही ये पॉइंट होगा आपका 0, 1/2 और ये पॉइंट होगा 0, -1/2। क्योंकि रेडियस जो है हमारी रेडियस 1/2 है, रेडियस 1/2 होने से ये पॉइंट आपके बहुत इजीली आपको पता लग जाएंगे। अब इस कर्व को हमें गिवन है, ये कर्व, ये क्लोज कर्व सी हम इसको मान लेते हैं, ये हमें गिवन है। इस क्लोज कर्व सी में इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ जेड फंक्शन है वो लेट कर लेते हैं। एफ जेड फंक्शन आपका होगा यहां पर ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। अब आपको उसके सिंगुलर पॉइंट यानी कि पोल निकालने, पोल का मतलब या सिंगुलर पॉइंट का मतलब जिन पर ये इंफिनिटी बनेगा। इंफिनिटी किन पर बनेगा ये आप लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ जेड जो है वो इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा। कब होगा, व्हेन, जब डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तभी इंफिनिटी बनेगा। जब इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा तभी इंफिनिटी बनेगा। तो एफ जेड इंफिनिटी बनेगा कब, जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो होगा। यानी कि इससे आपको दो पॉइंट मिलेंगे, जेड माइनस टू जीरो जेड माइनस थ्री जीरो, एंड इट विल बी जेड इक्वल टू टू और ये होगा आपका जेड इक्वल टू थ्री। और इसको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे तो 2 + i × 0, 3 + i × 0, तो इससे पॉइंट आपको मिलेगा 2, 0, इससे पॉइंट आपको मिलेगा 3, 0, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, यहां पर डेट इज करके लिखता हूं मैं, डेट इज, इससे पॉइंट मिलेगा 2, 0 और इससे पॉइंट मिलेगा 3, 0। अब जिन पॉइंटों पर ये फंक्शन इन्फिनिटी बना है उन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। किन किन पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल टू टू पर और जेड इक्वल टू थ्री पर, क्योंकि दोनों पॉइंटों पर यह फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा, इन पर यह एनालिटिक नहीं है। अब आपको यह देखना है कि जिन पर यह एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट हमारे कर्व के अंदर है या बाहर है, ठीक है। अगर हम जेड इक्वल टू टू की बात करें, क्योंकि 1/2 रेडियस है, तो जेड इक्वल टू टू पॉइंट आपका यहां पर लाई करेगा जो कि 2, 0 होगा, आउटसाइड जाएगा सर्कल के। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे यहां पर तो जेड इक्वल टू थ्री पॉइंट लाई करेगा जो कि 3, 0 होगा। तो इस तरीके से दोनों के दोनों पॉइंट इस सर्कल से आउटसाइड चले जाएंगे। तो अब हमें देखना है इस कर्व के अंदर क्या फंक्शन एनालिटिक है, मतलब जो आपको कर्व दिया है सी, क्या फंक्शन इसके अंदर कहीं पर इंफिनिटी बनता है, नहीं बनता, ठीक है। जिन पर ये इंफिनिटी बना है वो तो सर्कल से बाहर है। इस क्लोज कर्व सी के अंदर, इस क्लोज कर्व सी के अंदर ये फंक्शन एफ जेड कभी भी इंफिनिटी नहीं बनेगा। अगर ये फंक्शन इंफिनिटी इस क्लोज कर्व सी के अंदर कभी भी इंफिनिटी नहीं बनेगा, इसका मतलब इस क्लोज कर्व सी में फंक्शन एनालिटिक है। तो यही बात हमें लिखनी है, देयरफॉर एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, एफ जेड जो है वो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कर्व सी। इस कर्व सी के अंदर कभी भी इंफिनिटी नहीं बनेगा, तो इसके अंदर भी और बाउंड्री पर भी फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और अगर एनालिटिक है तो आप कोची की इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं, देन बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो आप कोची की इंटीग्रल थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कोची की इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है कि अगर फंक्शन क्लोज कर्व सी में एनालिटिक है तो उस क्लोज कर्व सी के अबाउट में इंटीग्रेशन अगर आप एफ जेड का निकालते हैं तो हमेशा क्या वैल्यू देगा, जीरो। इसके क्वेश्चन 2 नंबर में ही आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर एफ जेड की वैल्यू रख देंगे, एफ जेड आपका था e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस टू और जेड माइनस थ्री और डी जेड, और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, बाय यूजिंग कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो इस तरीके से कोची इंटीग्रल थ्योरम को यूज करते हैं हम, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता है अगर फंक्शन एनालिटिक हो गया क्लोज कर्व सी में तो आंसर जीरो ही आना है। तो ये हो गई आपकी कोची की इंटीग्रल थ्योरम। अब अभी तो आपने देखा कि जो जिस पर इंफिनिटी बना था वे पॉइंट हमारे कर्व के बाहर चले गए। अगर उनमें से एक पॉइंट कर्व के अंदर आ जाए
उनमें से एक पॉइंट कर्व के अंदर आ जाए तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, तो फिर अप्लाई होते कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले। ठीक है, अब कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले। कोची इंटीग्रल फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी। ठीक है, हमारा कोई क्लोज कर्व है, ये मैंने क्लोज कर्व मान लिया। क्लोज कर्व किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी क्लोज कर्व हो सकता है। फिलहाल मैंने ये माना है एफ जेड जो फंक्शन है वो इस क्लोज कर्व सी में एनालिटिक है। ये हमारी डेफिनेशन होती है, फंक्शन इस पर एनालिटिक है तो इस क्लोज कर्व सी में कभी भी इंफिनिटी नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरा जेड नोट इज एनी पॉइंट लाइज इन साइड सी, और जेड नोट कोई पॉइंट है जो इस कर्व के अंदर लाई करता है इस तरीके से, और जेड नोट वो पॉइंट होगा जिस पर पूरे इंटीग्रेशन वाला फंक्शन इंफिनिटी बनेगा। ठीक है, तो जेड नोट हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जो हमारा कर्व के अंदर लाई करेगा। तो आप कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले से इस तरह के इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन एनालिटिक है क्लोज कर्व सी में वो हमेशा न्यूमिनेटर में होगा। कहां पर होगा, न्यूमिनेटर में होगा, आप देख सकते हैं ये एफ जेड हमारा सारे फॉर्मूले में न्यूमिनेटर में है जो कि क्लोज कर्व सी पर एनालिटिक है। तो एफ जेड जिस पर फंक्शन आपका एनालिटिक है वो आपका न्यूमिनेटर में दिखाई देगा, और जो पॉइंट कर्व के अंदर लाई करता है जेड नोट वो डिनोमिनेटर में होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा जेड नोट पॉइंट है, ये आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर में दिखाई देगा फैक्टर फॉर्म में। तो जेड नोट पॉइंट जो है वो हमारा डिवाइड में होगा। ये आपको याद रखना है कोची इंटीग्रल फॉर्मूले को लगाने के लिए कि एफ जेड फंक्शन वो कंसिडर करना है जो कि हमारा एनालिटिक हो क्लोज कर्व सी में, और वो हमारा न्यूमिनेटर में जाए, और जो जेड नोट पॉइंट है वो इस तरह फैक्टर फॉर्म में डिवाइड में डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे। तो दो कंडीशन होती है, एफ जेड जो आप कंसिडर करेंगे जो न्यूमिनेटर में फंक्शन होगा वो हमारा एनालिटिक होना चाहिए क्लोज कर्व सी में, मतलब इस क्लोज कर्व सी में कभी भी एफ जेड जो भी आप मानेंगे वो इन्फिनिटी ना बने। और दूसरा जेड नोट पॉइंट, जेड नोट पॉइंट अगर देखे पूरे इंटीग्रेशन को, पूरे इंटीग्रेशन आपका है एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, अगर आप इसको जी जेड मानते हैं तो आपका जी जेड फंक्शन कहां पर एनालिटिक नहीं होगा, ये फंक्शन जी जेड जो है जेड नोट पॉइंट पर इन्फिनिटी वैल्यू देगा, यानी कि पूरा फंक्शन जो इंटीग्रेशन में है वो जेड नोट पॉइंट पर इन्फिनिट देगा, एनालिटिक नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, उस जिस पे इन्फिनिटी बनता है, जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी बनता है उसको एज ए फैक्टर फॉर्म में नीचे रखा है, उससे अलग जो भी फंक्शन बनेगा उसको एफ जेड मान करके कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं फॉर्मूले समझ लेते हैं। स्टेटमेंट फिर से बताता हूं कि दो कंडीशन होती है कि एफ जेड जो न्यूमिनेटर में फंक्शन कंसिडर होगा वो इस क्लोज कर्व सी में एनालिटिक होना चाहिए, मतलब इस क्लोज कर्व सी में कभी भी इन्फिनिटी वैल्यू ना दे। दूसरा जो डिवाइड में फैक्टर होगा जिससे जेड नोट पॉइंट आप निकालेंगे, ठीक है, वो पॉइंट हमारा कर्व के अंदर लाई करना चाहिए। ये दो कंडीशन जब भी फुलफिल होगी तब आप कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगा सकते हैं, और कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला सिंपल होता है ये वाला, एफ जेड नोट इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज कर्व सी, एफ जेड न्यूमिनेटर में और डिवाइड में होगा जेड माइनस जेड नोट की पावर 1। ये सिंपल कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। फिर हम क्या करेंगे, पावर्स को बढ़ाते जाएंगे, तो इधर आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगता जाए। सबसे पहले फॉर्मूले में पावर 1 है जिसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल एफ जेड नोट आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर इस फैक्टर की पावर जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, अगर इस फैक्टर की पावर 2 हो जाए तो यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है। डैश लिखा है मैंने एफ डैश जेड नोट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहां पर पावर 3 हो जाए फैक्टर की तो डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, एक कम होता है डेरिवेटिव। अगर इधर पावर 3 है तो उधर 2 टाइम डिफरेंशिएशन होगा, अगर इधर 2 पावर है तो उधर 1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अगर यहां पर 4 पावर आ जाती है फैक्टर की तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि इससे आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहां पर फैक्टोरियल 1 आता है, सेकंड डेरिवेटिव बनता है तो यहां पर फैक्टोरियल 2 आता है, थर्ड डेरिवेटिव बनता है तो यहां पर फैक्टोरियल 3 आता है। ऐसे आप ये कह लो कि अगर यहां पर nth डेरिवेटिव बनता है तो यहां पर फैक्टोरियल n आएगा, और चूंकि जो इधर डेरिवेटिव होता है उससे इधर एक पावर ज्यादा होती है तो इधर पावर n प्लस 1 दिखाई देगी। जनरल फॉर्मूला हमारा लास्ट में बन गया है ना, एफ एन जेड नोट इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2πi एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1। ठीक है,
तो फिर से थोड़ा सा बता दूं कि अगर 2 पावर आती है तो एक बार डेरिवेटिव, 3 पावर आती है 2 बार डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 3 पावर आती है, 3 पावर में 2 बार डेरिवेटिव का, 4, अगर 4 पावर आती है तो 3 बार डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना होता है। जितना डेरिवेटिव होगा उतना ही फैक्टोरियल में रहता है, ठीक है, जितना डेरिवेटिव होगा उससे एक पावर ज्यादा इधर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन, एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए जो न्यूमिनेटर में आप बनाएंगे, और जेड नॉट पॉइंट जो डिवाइड में होगा वो कर्व के अंदर लाई करना चाहिए, तभी ये कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं, ठीक है, हमें ना केवल फॉर्मूला लगाने के लिए एक पॉइंट कर्व के अंदर चाहिए, ठीक है। अगर वहां पर एक ऐसा पॉइंट और है, ठीक है, जो कि कर्व के बाहर लाई करता है लेकिन फंक्शन उस पर एनालिटिक नहीं है, तो उसको हम एफ जेड में इन्वॉल्व करा देंगे, क्योंकि हमें तो एक ही पॉइंट कर्व के अंदर चाहिए, है ना। इफ एनी पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एक ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, लाइज आउटसाइड द कर्व सी, कर्व के बाहर लाई करे, देन इन्वॉल्व दिस पॉइंट इन एफ जेड, तो इसको हम जो न्यूमिनेटर में एफ जेड मानेंगे उसमें इन्वॉल्व करा देते हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे वो भी कंडीशन आएगी कि 2 पॉइंट कर्व के अंदर आ जाए, 3 पॉइंट कर्व के अंदर आ जाए, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कोची एक्सटेंशन थ्योरम उसमें लगती है। सिक्वेंसली समझाऊंगा पहले बेसिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, यदि 1 पॉइंट कर्व के अंदर आए या 2 पॉइंट कर्व के अंदर आए तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, आगे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इवेल्युएट, ये इंटीग्रेशन आपको इवेल्युएट करना है, और यहां पर जो सर्कल दिया है मोड जेड इक्वल टू 2.5 है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वही क्वेश्चन है जो कोची की इंटीग्रल थ्योरम में हुआ था, लेकिन वहां पर जो मैंने सर्कल लिया था मोड जेड इक्वल टू 1/2 लिया था, ठीक है, जिससे कि ये दोनों पॉइंट जेड इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 3 पॉइंट आउटसाइड चले गए थे दोनों के दोनों, तो हमने कोची की इंटीग्रल थ्योरम इसमें लगा दी थी। लेकिन इस बार आपका जो क्लोज कर्व है वो चेंज है, इस बार सर्कल जो है आपको मोड जेड इक्वल टू 2.5 बनाना है, और इसका मतलब होगा इसका सेंटर तो लेना है ओरिजिन 0 0, और रेडियस लेनी है 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, 0 पॉइंट, और यहां पर सेम तरीके से -2.5, 0 पॉइंट, ये 0, 2.5 होगा, और नीचे आपका 0, -2.5 होगा, क्योंकि रेडियस आपकी 2.5 है, तो ये क्लोज कर्व सी गिवन है। अब आपको देखना है कोची इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने के लिए, सबसे पहले देखो कोची की इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी क्या। कोची की इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि इस क्लोज कर्व सी में अगर ये पूरा फंक्शन एनालिटिक है तब हम कोची की इंटीग्रल थ्योरम से इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन पूरा क्या होना चाहिए, इस क्लोज कर्व सी में एनालिटिक कहीं पर भी इन्फिनिटी ना बने, और अगर आपने जेड को 2 रख दिया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और 2 जो है 2.5 से पहले आएगा, इसका मतलब इस कर्व के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा और फंक्शन उस पर एनालिटिक नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पर कोची की हम इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगा सकते। हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ये कहता है कि आपको एफ जेड फंक्शन न्यूमिनेटर में रखना है, और एक पॉइंट जेड नोट जो कर्व के अंदर लाई करेगा उसको हमें डिनोमिनेटर में रख करके चलना होता है, तब फॉर्मूला लगता है। तो ये क्लोज कर्व सी है, पहले इसके सिंगुलर पॉइंट निकाल लेते हैं। हेयर जो सिंगुलर पॉइंट है या पोल्स है, सिंगुलर पॉइंट आर, सिंगुलर पॉइंट्स होंगे जो डिवाइड में पॉइंट है जिससे इन्फिनिटी बनेगा, उनको 0 रख दो, इससे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे जेड इक्वल टू 2 जेड इक्वल टू 3, यानी कि इससे मिलेगा 2, 0 पॉइंट, इससे मिलेगा आपको 3, 0 पॉइंट, ठीक है। और अगर आप 2, 0 पॉइंट की बात करेंगे तो 2.5 से थोड़ा सा यहां पर अंदर आपको दिखाई देगा, ये होगा 2, 0, जिसका मतलब जेड इक्वल टू 2 होगा, और 2.5 से थोड़ा सा आगे जाएगा यहां पर, और ये पॉइंट बनेगा 3, 0, और इसका मतलब होगा जेड इक्वल टू 3, यानी कि ये पूरा इंटीग्रेशन का फंक्शन 2 पॉइंटों पे इन्फिनिटी बनेगा, एक तो 2 पर एक 3 पर। लेकिन आपका कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है कि हमें एक पॉइंट कर्व के अंदर चाहिए बस, और वो आपको मिल गया, वो होगा जेड इक्वल टू 2, और जो पॉइंट कर्व के बाहर गया है जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी बनाया, मैंने अभी नोट में बताया था आपको, उसको हमें एफ जेड में इन्वॉल्व करा देना है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहां पर एफ जेड को लेट कर लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूं कि लाइज इनसाइड सी, ये तो कर्व के अंदर लाई करता है, और ये लाइज आउटसाइड सी, ये हमारा कर्व के बाहर लाई करता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एफ जेड को लेट कर लेते हैं, जो पॉइंट हमारा बाहर गया है, कर्व से बाहर गया है, उस पॉइंट वाले फैक्टर को हम एफ जेड में लेट कर लेंगे,
तो एफ जेड में लेट होगा ऊपर से e की पावर जेड और नीचे से जेड माइनस थ्री, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला क्लोज करा सी में लगाना है, बाहर वाले से में मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एफ जेड e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस थ्री, और जेड नोट पॉइंट लेट कर लेंगे हम जो कर्व के अंदर है, ये हमारा पॉइंट है जो कि जेड नोट का काम करेगा, ठीक है। एंड जेड नोट इक्वल टू लेट कर लेते हैं टू। अब आप देख सकते हैं जो एफ जेड फंक्शन है इस क्लोज कर्व सी में कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं है, बाहर से हमें मतलब नहीं है, इस क्लोज कर्व सी में कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं बनेगा। आप इसमें जेड की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जिस पर ये इंफिनिटी बनेगा वो कर्व से बाहर है, 3.0 पॉइंट पर वो कर्व से बाहर है। तो जो पॉइंट कर्व से बाहर जाता है उसको हमें एफ जेड में इन्वॉल्व करा लेना होता है इस तरीके से, ठीक है। ये पता है आपको कि एफ जेड आपका चलेगा न्यूमिनेटर में और ये जेड नोट पॉइंट जो आपने नीचे लिया है इसका जो फैक्टर है वो डिवाइड में चलेगा, तब हम कोचिक इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले हम कंडीशन लिखेंगे, देयरफोर ये जो हमने एफ जेड फंक्शन माना है इज एनालिटिक, ये हमारा एनालिटिक है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी या सर्कल सी, विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा जो जेड नोट पॉइंट है टू वो लाई करता है इनसाइड सी, लाइज इन साइड सी, जो भी कोचिक इंटीग्रल फॉर्मूले की कंडीशन है वो फुलफिल की हमने। पहला क्लोज कर्व सी में एफ जेड एनालिटिक है, दूसरा है जेड नोट पॉइंट कर्व के अंदर लाई करता है, एक ही पॉइंट हमें चाहिए कर्व के अंदर जो कि टू हो गया, जेड नोट मानेंगे उसको, तब हम कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं। देन बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो हम यहां पर कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला चूंकि दोनों फैक्टर देख सकते हैं वन पावर में है, और वन पावर के लिए सिंपल कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला लगना है। कोची का सिंपल इंटीग्रल फॉर्मूला होता है जो कि मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था आपको, कोची का सिंपल इंटीग्रल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, और इसके साथ होता है वन अपॉन टू पाई आई, और इक्वल टू में होता है एफ ऑफ जेड नोट। इस टू पाई आई को उधर ले जाएंगे तो ये वन अपॉन टू पाई आई जो है यहां से मिटा देता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं उधर एफ जेड नोट के साथ, इससे आपको मिलेगा टू पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नोट। एफ जेड की वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन सी, एफ जेड की वैल्यू है e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस थ्री जो कि न्यूमिनेटर में लिखना है, और जेड नोट की वैल्यू रखेंगे टू तो जेड माइनस टू मिलेगा और डी जेड, और इक्वल टू आएगा टू पाई आई, इधर भी जेड नोट की वैल्यू रखेंगे, जेड नोट की वैल्यू है टू, ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर ले तो ये वही इंटीग्रेशन आएगा जो कि आपको पूछा गया था, इंटीग्रेशन सी जेड माइनस थ्री को वापस नीचे ले आते e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री डी जेड, ये वही इंटीग्रेशन बनना चाहिए जो कि आपको दिया है, देख लीजिए अगर आप इसको नीचे लेकर के आएंगे वही इंटीग्रेशन बनेगा, और इधर हमारा आंसर आएगा टू पाई आई, और एफ ऑफ टू की वैल्यू आपको चाहिए, एफ ऑफ टू की वैल्यू मतलब एफ जेड से निकलेगी, एफ जेड हमारा है वहां पर e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस थ्री, एफ ऑफ टू निकालने के लिए जेड को टू रखना पड़ेगा, e की पावर टू अपॉन टू माइनस थ्री, और इसको सॉल्व करके आएगा e की पावर टू अपॉन माइनस वन, यानी कि यहां से सॉल्व करके आपको मिलेगा माइनस e का स्क्वायर, और ये इस इंटीग्रल का आंसर होगा बाय यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोची इंटीग्रल का सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आगे के एग्जांपल लेता हूं जिसमें जो डिवाइड में फैक्टर होता है उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की स्लाइड में बताया था डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है e की पावर जेड जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड माइनस एट, और सर्कल आपको दिया है जेड माइनस पाई इक्वल टू पाई, ये सर्कल है, यानी कि जो इसका सेंटर है इसका सेंटर होगा पाई, ये इसका सेंटर है पाई, पाई का मतलब इसको आप अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के पाई इंटू जीरो आई तो इसका पॉइंट बनेगा पाई कोमा जीरो, ठीक है। ये हमारा पाई कोमा जीरो सेंटर होगा और पाई लेनी है हमें रेडियस, तो पाई कोमा जीरो को सेंटर मानते हुए पाई को रेडियस लेते हुए एक सर्कल बना लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। पाई मैं ले लेता हूं यहां पर पाई कोमा जीरो का मतलब है 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोमा जीरो या वैल्यू लेंगे, और ये पॉइंट होगा हमारा जीरो जीरो,
ठीक है। और चूंकि रेडियस कितनी है, रेडियस पाई है, यानी कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो आपको ऑब्वियसली पता है कि ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया है तो यहां से यहां तक की वैल्यू पाई होगी। पाई होगी तो ये पॉइंट आपको ओरिजिन मिलेगा, और पाई रेडियस है तो ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई, यानी कि टू पाई। टू पाई का मतलब होगा, टू पाई का मतलब होगा इसकी मल्टीप्लाई टू के साथ कर देंगे तो आपको मिलेगा 3.14 मल्टीप्लाई टू, तो सॉल्व कर लेना इसको, 8, 2 एंड 6, 6.28, तो ये 6.28.0 पॉइंट मिलेगा आपको आउटसाइड, जो कि 2 पाई की वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। पाई का मतलब एंगल मत समझ लेना कि 180 रखना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट मिल गए 0.0 और ये आपका हो जाएगा 6.28। अब आपको देखना है यहाँ पर सिंगुलरिटीज क्या है, सिंगुलरिटीज मतलब पोल्स क्या है, पोल्स मतलब इंटीग्रेशन में किन किन पॉइंटों को रखने पर ये इन्फिनिटी बनेगा, तो सॉल्यूशन में वही लिखना है, हेयर हेयर सिंगुलर पॉइंट्स आर, हेयर सिंगुलर पॉइंट्स आर, जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे यहां पर है, डिवाइड वाले फैक्टर लेंगे जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, जेड माइनस एट को अगर जीरो रखेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो होगा तो फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि यही सिंगुलर पॉइंट देंगे। यहां से एक तो जेड की वैल्यू वन आएगी, एक जेड की वैल्यू एट आएगी, वन का मतलब होता है 1.0 पॉइंट और 8 का मतलब होता है 8.0 पॉइंट। अगर 1.0 की बात करें तो लगभग ये यहां पर पॉइंट आएगा आपका, ये 1.0 पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं जेड इक्वल टू 1। और चूंकि जेड इक्वल टू 8.0 6.28 से आगे जाएगा तो लगभग यहां पर ये आउटसाइड बनेगा हमारा 8.0, थोड़ा सा आगे बनेगा उससे जा करके, जिसको मैंने लिखा 8.0। तो आपने यहां पर देखा कि जिस जिन जिन पॉइंटों पर ये फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा इंटीग्रेशन वाला, एक पॉइंट तो अंदर है और एक पॉइंट बाहर है, तो उसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। एक पॉइंट हमें कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने के लिए चाहिए इसको, तो हम जेड नोट कंसिडर कर लेंगे, और जो पॉइंट हमारा बाहर गया है उसके फैक्टर को एफ जेड में इन्वॉल्व करा लेंगे। तो अब हमारा काम है, इसको लिख देता हूं मैं, लाइज इन साइड सी, लाइज इन साइड सी और ये आउटसाइड सी, लाइज आउटसाइड सी, ये आउटसाइड गया है, ठीक है। अब यहां पर हमें एफ जेड लेट करना है, एफ जेड होगा जो पॉइंट बाहर है उस वाले फैक्टर को एफ जेड में इन्वॉल्व कराना है, तो e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस एट को एफ जेड मान लेंगे, और जेड नोट यहां पर कंसिडर होगा जो पॉइंट कर्व के अंदर है जिसको हमने वन लिया है, ठीक है ना, जेड नोट को वन माना। आप देख सकते हैं कि जो एफ जेड फंक्शन है इस क्लोज कर्व सी में कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा, जिस पर ये इन्फिनिटी बनेगा वो कर्व के बाहर है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो एफ जेड फंक्शन है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी एनालिटिक है। दूसरा, जेड नोट पॉइंट हमारा कर्व के अंदर लाइक होता है, ठीक है, हमने इसको दिखाया है फिगर से, तो लिख सकते हैं इन बातों को हम, देयर फोर एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी एंड जेड नोट लाइज इनसाइड सी, और जो जेड नोट पॉइंट है लाइज इनसाइड सी, सी के अंदर लाई करता है, तो कोची इंट्रीगल फॉर्मूले की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, देन बाय कोची इंट्रीगल फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सिंपल वाला कि डेरिवेटिव वाला, वो बताएगा इसकी पावर, जेड जेड को हमने वन माना है और इस फैक्टर की पावर आप देख सकते हैं, इस फैक्टर की पावर टू है। अगर इस फैक्टर की पावर वन होगी तो फिर तो जैसे मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल कराया सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर टू पावर है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, थ्री पावर है तो सेकंड डेरिवेटिव, फोर पावर है तो थर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहां पर इस फैक्टर की टू पावर है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है आपका एफ डैश सिंगल डेरिवेटिव एफ डैश फैक्टोरियल 1/2πi और इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर डी जेड। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, है ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 2πi अपॉन फैक्टोरियल 1 और एफ डैश जेड नोट।
सबकी वैल्यू रख देंगे, एफ जेड की वैल्यू रखते हैं पहले। एफ जेड की जो वैल्यू है वो है ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस एट डिवाइड बाई, नीचे जेड नोट की वैल्यू रखेंगे वन, तो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये आपका डी जेड इक्वल टू फैक्टोरियल वन, वन होता है तो टू पाई आई, और अपॉन में वन आ जाएगा, एफ डैश जेड नोट की वैल्यू वन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां पर आपको मिलता है वही इंटीग्रेशन जो कि आपको फाइंड करना था। वैल्यूज रखने पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से लगाया तो वैल्यूज रखने पर लास्ट में वही इंटीग्रेशन आएगा जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहां पर आपको वैल्यू निकालनी है, टू पाई आई तो बाहर कॉन्स्टेंट है, एफ डैश वन की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश वन का मतलब हमें एफ जेड पहले उठाना होगा, e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस एट, और एफ डैश का मतलब होता है इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें हम कोशेंट रूल लगाएंगे क्योंकि ऊपर भी जेड का फंक्शन है नीचे भी जेड का फंक्शन है, तो डिवाइड में जो है उसका होल स्क्वायर, डिवाइड में जो है उसको एज इट इज, ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड को एज इट इज, और जेड माइनस एट का डिफरेंशिएशन वन। फिर हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जेड की जगह पर वन रख देना है, तो जेड की जगह पर वन रखेंगे तो आपको मिलेगा ई की पावर वन जो कि कॉमन आएगा, नीचे से आपको मिलेगा वन माइनस एट का होल स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगा वन माइनस एट और माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके शायद आएगा ई तो बाहर है ई की पावर वन, और ये वन माइनस एट और माइनस वन यानी कि वन माइनस नाइन जो कि आपको माइनस एट वैल्यू देगा ऊपर से, और डिवाइड में मिलेगा आपको माइनस सेवन का होल स्क्वायर यानी कि 49। बस जितना ही सिंप्लीफाई हो सकता है आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन आपको दिया है कोस टू जेड अपॉन जेड माइनस आई पाई है ये हमारा जेड माइनस आई पाई की पावर थ्री डी जेड, और यहां पर जिसमें आपको फाइंड करना है इसको वो है मोड ऑफ जेड माइनस आई इक्वल टू थ्री सर्कल, यानी कि आई तो है इसका सेंटर, यहां पर आप लिख सकते हैं हेयर जो सेंटर है जेड नोट वो आई है, आई को आप लिख सकते हैं जीरो प्लस वन इंटू आई जिससे पॉइंट बनेगा जीरो कोमा वन, और सेंटर है यहां पर सॉरी रेडियस है हमारी यहां पर थ्री, तो आपको यहां पर क्या करना है जीरो वन को सेंटर मानकर के और थ्री को रेडियस मानकर के सर्कल बनाना है, ठीक है ना। तो जीरो वन सेंटर है तो यहां पर इसका सेंटर मैं ले लेता हूं इस तरीके से, ये जीरो वन सेंटर है, थ्री रेडियस है तो थ्री इसमें ऐड होने पर ये जीरो कोमा फोर हो जाएगा, और इधर की साइड में अगर थ्री लेंगे तो वन यहां तक और ये माइनस टू यहां तक, तो जीरो कोमा माइनस टू जाएगा। अब हमारा काम है इन पॉइंटों को भी फाइंड करना क्योंकि कभी कभी इनकी नीड हो जाती है, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है लेकिन इन पॉइंटों को फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पॉइंट निकलेंगे, ये वाले पॉइंट, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको पॉइंट को निकालने के लिए आपको इंटर वाला थोड़ा सा मेथड यूज करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर जीरो वन हो रेडियस थ्री हो, तो एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स वन की वैल्यू एक्स वन की वैल्यू है जीरो, वाई वन की वैल्यू है वन इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ए बी का काम करेगा जीरो वन, रेडियस का काम करेगा थ्रो थ्री, और ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा। इसको आपको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये पॉइंट निकालने के लिए चूंकि एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस का मतलब हमें वाई को जीरो रखना है, तो पुट वाई इक्वल टू जीरो, वाई को जीरो रखने पर यहां से आपको मिलेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर और ये नाइन, और इससे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर यानी कि प्लस वन इक्वल टू नाइन, यानी कि यहां से आपको वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट, और एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट एट, यानी कि ये जो हमारे पॉइंट है ये होगा आपका अंडर रूट एट कोमा जीरो, और ये पॉइंट होगा माइनस अंडर रूट एट कोमा जीरो। तो इस तरीके से आप इंटर वाला मेथड लगा के इन पॉइंटों को फाइंड कर सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि आगे कहीं पर भी यूज
करना पड़ सकता है इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो आप इस तरह का कॉन्सेप्ट से जाकर के क्वांटो को फाइंड कर सकते हैं। ये तब काम आते हैं जब सेंटर हमारा जीरो जीरो नहीं होता। जीरो जीरो है तो ऑब्वियसली पॉइंट फाइंड हो जाते हैं, लेकिन अगर जीरो जीरो सेंटर नहीं है तो इनकी पॉइंटों को आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अब हमें ये क्लोज कर्व सी दिया है जो कि सर्कल है, और इस इंटीग्रेशन को हमें फाइंड करना है इसमें। तो एक एफ जेड फंक्शन मानना है जो इस क्लोज कर्व सी में एनालिटिक होना चाहिए, एक जेड नोट पॉइंट लेना है जो कर्व के अंदर लाई करे। ऑब्वियसली एफ जेड आपको कंसिडर करना पड़ेगा जो न्यूमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है जेड नोट की वैल्यू आई पाई है ना, जेड नोट कंसिडर करना पड़ेगा आई पाई, जिसको आप पॉइंट फॉर्म में जीरो कोमा पाई लिखेंगे। पोस्ट टू जेड एवरीवेयर एनालिटिक होता है, तो इस क्लोज कर्व सी में भी एनालिटिक होगा, ये ऑब्वियसली है। दूसरा, ये जो जेड नोट पॉइंट आपने लिया है जीरो कोमा पाई, ये कर्व के अंदर लाई करेगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो लगभग ये 4 से नीचे थोड़ा सा यहां पर जीरो कोमा पाई पॉइंट होगा, जिसको आप 0.314 कह सकते हैं, और इसका मतलब है जेड इक्वल टू आई पाई पॉइंट, जो कि वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये पॉइंट हमारा कर्व के अंदर लाई करता है, ठीक है। और एफ जेड जो पोस्ट जेड माना है वो इस क्लोज कर्व सी को छोड़ो, आप फोर ऑल जेड के लिए बात करो, फोर ऑल जेड के लिए एनालिटिक होता है, तो यहां पर भी एनालिटिक होगा। यही बातें हम लिख सकते हैं कि जो एफ जेड है वो क्लोज कर्व सी में एनालिटिक है, जेड नोट जो पॉइंट है आई पाई वो कर्व के अंदर लाई करता है। तो कोची के इंटीग्रल फॉर्मूला डेरिवेटिव वाला लगाएंगे। डेरिवेटिव वाला क्यों लगाएंगे, इस फैक्टर की पावर 3 दी है, अगर इस फैक्टर की पावर 3 है तो सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। और सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया था आपको, वो फॉर्मूला होता है एफ डबल डैश जेड नोट इक्वल टू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 डी जेड। ये फॉर्मूला हमारा होता है जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिखेंगे, जो इंटीग्रेशन है उसको इधर लिखेंगे और बाकी सब मटेरियल को उधर ला करके 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड नोट लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, एफ जेड की वैल्यू डालनी है कोस 2 जेड, जेड नोट की वैल्यू डालनी है आई पाई, और वैल्यू डालने पर आप देखिए वही इंटीग्रेशन बनेगा जो आपको दिया था, वैल्यूज डालने पर वही इंटीग्रेशन आना भी चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश आई पाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें पहले एफ जेड का 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, और एफ जेड का 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर उसमें आई पाई वैल्यू डालनी होगी। एफ जेड था कोस 2 जेड, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कोस 2 जेड का माइनस साइन 2 जेड, और 2 जेड का दोबारा करेंगे 2 आएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डबल डैश जेड तो आपको मिलेगा साइन 2 जेड का कोस 2 जेड, और इनटू में 2 आएगा, माइनस 2 पहले से माइनस 4 हो जाएगा, फिर हमें इसमें जेड की जगह पे आई पाई रखना है, आई पाई रखेंगे तो माइनस 4 कोस 2 आई पाई होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कोस 2 पाई की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वो गलत हो जाएगा, इसमें आई भी है, आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 होती है, तो उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हम, तो उसको हम अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, कैलकुलेटर से निकल जाती है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ देंगे। बस ये एफ डबल डैश आई पाई की वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और यही हमारी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, और ये हमने सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करके किया है। तो यही ध्यान रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर 2 होती है फैक्टर की, डिवाइड वाले फैक्टर की, और सेकंड डेरिवेटिव में 3 पावर होती है, थर्ड डेरिवेटिव में 4 पावर होती है, पावर को देखकर ही फॉर्मूले को अप्लाई करना है। चलिए, ये बेसिक आपके फॉर्मूले एप्लीकेशन अप्लाई करना सिखाए मैंने आपको। अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आते जो कि मेन कॉन्सेप्ट है और जहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है। अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं ज्यादातर ये कभी कभार आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना, लॉन्ग में भी आएंगे तो 2-3 कर्व के साथ में एक साथ पूछ ले जाते हैं। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं कि अभी तक तो क्या था कि एक पॉइंट कर्व के अंदर था और एक कर्व के बाहर था, जो बाहर था उसको हमने एफ जेड में इन्वॉल्व कराया था, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट कर्व के अंदर आ जाए तो उस केस में हम कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले कैसे लगाते हैं वो जानेंगे हम इस वाले टॉपिक से। और इस टॉपिक का नाम है कोची की एक्सटेंशन थ्योरम, उसमें अप्लाई करनी होती है। कोची की एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है ये समझ लीजिए, ठीक है। ये मैंने लिखा है, इफ 2 और मोर पॉइंट्स एट विच एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, जिन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लाइज इनसाइड सी, वो हमारे कर्व के अंदर लाई कर जाए, देन फर्स्ट अप्लाई कोची एक्सटेंशन थ्योरम। तो पहले कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी होती है, कोची एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करनी होती है। और कोची एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करने के बाद जैसे फॉर्मूले मैंने आपको इससे पीछे बताए हैं कोचिंग इंटीग्रल वाले, वही हमें अप्लाई करने होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, यही सारे क्वेश्चन आपके कोची रेसिडुए थ्योरम में भी आएंगे,
कोची रेजिडी थ्योरम से थोड़ा सा इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट, यहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा कोची रेजिडी थ्योरम में, सारे क्वेश्चन सेम आएंगे, आंसर सेम होता है, ठीक है। तो कोची के एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ लेते हैं। कोची के एक्सटेंशन थ्योरम आपको ये कहती है कि इफ यदि एफ जेड फंक्शन इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, हमारा कोई एफ जेड फंक्शन है और कोई क्लोज कर्व सी है, ये क्लोज कर्व सी मैंने माना जो कि रेक्टेंगल ट्रायंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो ये क्लोज कर्व सी है और एफ जेड जो फंक्शन है वो हमारा इसमें एनालिटिक है, एफ जेड फंक्शन हमारा यहां पर एनालिटिक है इस क्लोज कर्व सी में, ठीक है। एफ जेड फंक्शन इस क्लोज कर्व सी में एनालिटिक है एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन कुछ पॉइंटों को छोड़कर, कुछ पॉइंट्स है जिन पर ये एनालिटिक नहीं है, और वही पॉइंट आपका पहला पॉइंट मैंने माना जेड वन है, दूसरा पॉइंट मैंने माना कहीं पर जेड टू है, तीसरा पॉइंट जेड थ्री, ऐसे ही डॉट डॉट जेड एन पॉइंट, ये कुछ फाइनाइट पॉइंट्स है जिन पर जो हमारा फंक्शन है एफ जेड वो एनालिटिक नहीं है और वो कर्व के अंदर लाई करते हैं, मतलब एफ जेड जो है पूरे क्लोज कर्व सी पे एनालिटिक है, लेकिन कुछ पॉइंटों को छोड़कर, और वे पॉइंट्स हैं हमारे जेड वन जेड टू जेड एन। क्वेश्चंस एग्जाम में जो आएगा ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट कर्व के अंदर जाएंगे, तीन मैक्सिमम, तीन से ज्यादा नहीं जाते, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो कोची की एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है, कोची की एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको क्लोज कर्व सी के अबाउट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, एफ जेड का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए इस क्लोज कर्व सी के अबाउट में, तो हमें कोची के एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि आपको जितने भी पॉइंट कर्व के अंदर है, जितने भी पॉइंट कर्व के अंदर है, उन सभी पॉइंटों पर इस तरीके से हमें क्या करना है, इस पॉइंट को लेकर के सेंटर हमें एक सर्कल बना लेना है और उस सर्कल को नाम देना है सी वन का, इस पॉइंट को लेकर के सेंटर एक सर्कल बनाना है, उस पॉइंट को सर्कल को नाम देना है सी टू का, इस पॉइंट को लेकर के ऐसी सर्कल बनाएंगे, सर्कल का नाम देंगे सी एन का। तो जितने पॉइंट जिन पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है उनको हम सेंटर मान करके एक सर्कल इस तरह बना लेंगे, और कोची की एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा पहले सर्कल सी वन में और फिर सर्कल सी टू में, ठीक है, और ऐसे ही सर्कल सी थ्री में और ऐसे ही लास्ट वाले सर्कल सी एन में इस इंटीग्रेशन को हमें फाइंड करना होता है, ठीक है ना। और इन सबको एड करेंगे, ये हमने सर्कल्स बनाए हैं, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर पूरे क्लोज कर्व सी के अबाउट में इंटीग्रेशन निकल जाता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताया। हम क्या करते हैं इसमें डोमेन को चेंज करते हैं, मल्टीपल कनेक्टिव डोमेन को सिंपल कनेक्टिव डोमेन में बनाते हैं, और सिंपल कनेक्टिव डोमेन में बनाने के बाद हम इसमें कोची की एक्सटेंशन थ्योरम से इसको लिखते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल आप फॉर्मूला समझिए। जितने पॉइंट कर्व के अंदर होंगे उनको सर्कल बनाना है सेंटर मान करके और सबके अबाउट में एफ जेड का इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूले, सबको ऐड कर देना है और इंटीग्रेशन आपका निकल जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट मैंने उठाया है, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था, इस तरह का था, है ना, ये नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएट बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूले, ये आपको इंटीग्रेशन कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से निकालना है और आपका जो इंटीग्रेशन है वो ये दिया है, और यहां पर अगर इस इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन को देखें तो ये है साइन पाई जेड स्क्वायर कोस पाई जेड स्क्वायर प्लस में और अपॉन में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड माइनस टू वेयर सी इज द स्क्वायर। इस बार जो कर्व है वो आपको एक स्क्वायर की फॉर्म में दिया है, हूज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस दिए थ्री प्लस थ्री आई माइनस थ्री प्लस थ्री आई थ्री माइनस थ्री आई एंड थ्री माइनस थ्री आई, ये इसके वर्टिसेस दिए। तो सबसे पहला काम है इन वर्टिसेस को लेना, गिवन वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, गिवन वर्टिसेस, जो स्क्वायर के वर्टिसेस दिए हैं, पहला वर्टिसेस दिया है थ्री प्लस थ्री आई, जिससे पॉइंट आपका बनेगा थ्री कोमा थ्री पॉइंट, ठीक है। दूसरा आपको दिया है माइनस थ्री प्लस थ्री आई, जिससे पॉइंट बनेगा माइनस थ्री कोमा थ्री। तीसरा पॉइंट आपको दिया है थ्री माइनस थ्री आई, जिससे पॉइंट बनेगा आपका थ्री माइनस थ्री। और लास्ट पॉइंट आपको दिया माइनस थ्री माइनस थ्री आई, इससे पॉइंट बनेगा माइनस थ्री माइनस थ्री आई। तो इस तरीके से आप सॉरी माइनस थ्री और माइनस थ्री, तो इस तरीके से हम जितने भी वर्टिसेस आपको दिए हैं उनको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चार पॉइंट आपके स्क्वायर के आ जाएंगे। पहला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा थ्री कोमा थ्री, ठीक है।
दूसरा पॉइंट -3.3 इसके जस्ट अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा आपका 3-3 जो कि यहां पर जाएगा, और लास्ट पॉइंट है -3-3 जो कि यहां पर जाएगा। ये क्लोज कर्व सी दिया है जिसमें कि हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन आपको दिया है उस इंटीग्रेशन के अंदर जो पूरा फंक्शन है वो कब कब इंफिनिटी बनेगा, यानी कि सिंगुलर पॉइंट क्या है यहां पर। तो हेयर सिंगुलर पॉइंट्स या पोल्स भी कह सकते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स आर, सिंगुलर पॉइंट्स वे होते हैं जिसपे इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी बन जाए। और ये इन्फिनिटी कब बनेगा, जब इसका डिवाइड वाला जो पार्ट है वो जीरो रखा जाएगा, जेड माइनस वन का स्क्वायर जेड माइनस टू को जीरो रखा जाएगा, इससे आपको पॉइंट मिलेगा जेड इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू टू। यहां से पॉइंट बनेगा 1,0, यहां से पॉइंट बनेगा आपका 2,0, और देखा जाए तो दोनों पॉइंट हमारा कर्व के अंदर जाएंगे, है ना। यहां पर कहीं पर ये ओरिजिन होगा 0,0, यहां पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 1,0 बनेगा, ठीक है। आगे जाएंगे तो थोड़ा सा 2,0 पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। और ये पॉइंट आपका है जेड इक्वल टू वन, ये पॉइंट है जेड इक्वल टू टू। आप देख सकते हैं कि कर्व के अंदर में दोनों पॉइंट चले गए जिन पर फंक्शन ये इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन है इंफिनिटी बनेगा। जब भी इस तरीके से दो या दो से ज्यादा पॉइंट कर्व के अंदर चले जाए तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पहले हमें अप्लाई करनी होती है कोची की एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। तो कोची की एक्सटेंशन थ्योरम को हम अप्लाई करने के लिए पूरे इंटीग्रेशन के जो अंदर फंक्शन है उसको जी जेड मान लेते हैं, और जी जेड आपका इंटीग्रेशन होगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस टू। ये हमारा फंक्शन हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो जी जेड है वो कब कब इन्फिनिटी देगा आपको, वेन जब जेड की वैल्यू वन होगी और टू होगी और दोनों के दोनों पॉइंट लाइज इनसाइड सी। यदि ये जितने भी पॉइंट आए अगर ये सी के अंदर लाई कर जाए तो हम कोची की एक्सटेंशन थ्योरम पहले लगाते हैं। कोची की एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है देन बाय, अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट कर्व के अंदर चले जाए देन बाय कोची एक्सटेंशन थ्योरम। तो कोची की एक्सटेंशन थ्योरम आपको ये कहती है, ठीक है, कि अगर आपको पूरे क्लोज कर्व सी के अंदर जी जेड का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो आपको उन पॉइंटों को सर्कल सेंटर मान करके सर्कल बनाना है। इससे सर्कल बनाया सी वन, इससे सर्कल बनाया सी टू। तो आपको क्या करना होगा, पहले फाइंड करना होगा इस जी जेड इंटीग्रेशन को अबाउट द सी वन सर्कल और फिर प्लस अबाउट द सी टू सर्कल। ये आपकी कोची की एक्सटेंशन थ्योरम कहती है कि दोनों पॉइंटों को सेंटर मान करके सर्कल बना लेंगे स्मॉल सर्कल, और पहले सर्कल के अबाउट में प्लस दूसरे सर्कल के अबाउट में जी जेड का इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा और दोनों को एड करना होगा, तब जाके पूरे क्लोज कर्व सी के अंदर हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाता है। जी जेड की वैल्यू रख लेंगे, जी जेड की वैल्यू है आपकी इंटीग्रेशन सी, जी जेड की वैल्यू है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू डी जेड। जी जेड की वैल्यू रख देंगे इस तरीके से, जो कि इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, इसको सी वन के अबाउट में लेंगे, सी वन के अबाउट में लेंगे और प्लस फिर हम सी टू के अबाउट में लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, सी वन के अबाउट में जो कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला है वो लगेगा, ठीक है। यहां पर जेड इक्वल टू वन है तो जेड इक्वल टू वन का जो फैक्टर बनेगा वो जेड माइनस वन बनेगा, तो जेड माइनस वन वाले फैक्टर को तो डिवाइड में रखेंगे जो कि जेड माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। बाकी सबको ऊपर ले जाएंगे, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर और डिवाइड में हमारा जाएगा जेड माइनस टू डी जेड। जो हमारा सी वन सर्कल का सेंटर है, जो आपने सेंटर माना है वो कर्व के अंदर है, उसको हम डिवाइड में एज ए जेड नोट वर्क करेंगे, और बाकी जो दूसरा फैक्टर है जेड माइनस टू जो कि उससे बाहर है सर्कल से, उसको हम ऊपर एफ जेड में इन्वॉल्व करा देंगे। सेम तरीके से सी टू का जो सेंटर है वो आपका जेड इक्वल टू टू है और इससे फैक्टर बनेगा जेड माइनस टू, तो जेड माइनस टू वाले फैक्टर को डिवाइड में रखना है, जेड माइनस टू वाले फैक्टर को डिवाइड में रखना है, और जो दूसरा फैक्टर है उसको हम फंक्शन में इन्वॉल्व करा देंगे ऊपर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई
जेड माइनस वन का होल स्क्वायर डी जेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी वन में जो सेंटर है उस वाले फैक्टर को डिवाइड में रखना है, बाकी दूसरे फैक्टर को एफ जेड में इन्वॉल्व कराना है, जो कि कॉन्सेप्ट हमने पीछे सीखा है। यहां पर सी टू में जो सेंटर है उस वाले फैक्टर को डिवाइड में रखना है, और ऊपर हम एफ जेड में दूसरे फैक्टर को इन्वॉल्व करा देते हैं। यानी कि यहां से आपको ये पता लग गया कि अगर हमें कोची की इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने हैं तो यहां पर जो जेड नोट का काम करेगा वो जेड नोट का काम यहां पर वन करेगा, और यहां पर जो जेड नोट का काम करेगा जो डिवाइड में फैक्टर है वो हमारा काम करेगा टू का, ठीक है। दोनों में अगर कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगाए तो यहां पर चूंकि टू पावर है नीचे फैक्टर की, ये एफ जेड का काम करेगा, ठीक है, ये एक पावर में है और ये एफ जेड का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा जो टू पावर में है उसमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टू पावर में फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगता है और इसका फॉर्मूला बनेगा, पहले डेरिवेटिव के फॉर्मूले साइड में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सी, फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है आपका एफ डैश जेड नोट इक्वल टू फैक्टोरियल वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर डी जेड, और सिंपल फॉर्मूला हमारा होता है एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई, और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर वन होती है, और डी जेड, ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे। पहली टर्म में लगेगा डेरिवेटिव वाला क्योंकि टू पावर है फैक्टर की, और दूसरी टर्म में लगेगा वन पावर है सिंपल फॉर्मूला। तो इससे वैल्यू मिलेगी आपको टू पाई आई अपॉन फैक्टोरियल वन, और एफ डैश जेड नोट की वैल्यू वन होगी, प्लस यहां से मिलेगा टू पाई आई और इनटू में आ जाएगा एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू यहां पर होगी टू दूसरे इंटीग्रेशन के लिए। तो ये वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं अब, ठीक है। एफ डैश का मतलब है कि जो ऊपर फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन और फिर उसमें जेड की वैल्यू वन, तो टू पाई आई अपॉन फैक्टोरियल वन, यानी कि वन ही वैल्यू होगी इसकी, और एफ डैश का मतलब है इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन। फंक्शन है आपका साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई जेड माइनस टू, इसका एक बार डिफरेंशिएशन, और फिर लास्ट में हमें जेड की वैल्यू वन रखनी है, यहां पे लिख देता हूं जेड को वन रखना है, प्लस टू पाई आई और एफ ऑफ टू का मतलब सीधा वैल्यू रखनी है, और एफ ऑफ टू कहां पर रखना है आपको, साइन पाई जेड स्क्वायर जो फंक्शन है ऊपर वो एफ जेड का काम करेगा, प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर और डिवाइड में है जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहां पर आपको वैल्यू रखनी है जेड की टू। तो इस तरीके से हम पहली टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरी टर्म में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो पहली टर्म का पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, अगर डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो टू पाई आई फैक्टोरियल वन वन होगा, इसमें लगाएंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल आप जानते हैं कि पहले जो डिवाइड में है उसका होल स्क्वायर, डिवाइड में है उसको एज इट इज, ऊपर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन होगा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस पाई जेड स्क्वायर, और कोस का होता है माइनस साइन पाई जेड स्क्वायर, और पाई जेड स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो आएगा टू पाई जेड। कंपोजिट फंक्शन है तो साइन पाई जेड स्क्वायर का कोस पाई जेड स्क्वायर, कोस पाई जेड स्क्वायर का माइनस साइन पाई जेड स्क्वायर, पाई जेड स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो टू पाई जेड, फिर माइनस, अब हमें इस फंक्शन को एज इट इज रखना है, माइनस हमें इस न्यूमिनेटर को एज इट इज रखना है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, इसको एज इट इज रखेंगे, और डिवाइड में जो है जेड माइनस टू उसका डिफरेंशिएशन वन होगा, प्लस टू पाई आई, और इधर आपको मिलेगा इसमें जेड को टू रख देते हैं तो ऊपर से मिलेगा आपका टू का स्क्वायर जो कि फोर होगा, यानी कि साइन फोर पाई और प्लस कोस फोर पाई, और डिवाइड में आएगा टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें सब जगह पे हम जेड को वन रख देते हैं क्योंकि हमें पहले वाले में जेड को वन रखना है, तो जेड को वन रख देते हैं टू पाई आई, जेड को अगर वन रखे तो यहां से मिलेगा वन माइनस टू, यहां से मिलेगा आपको कोस पाई और माइनस साइन पाई,
और इनटू में आएगा 2 पाई माइनस यहां से मिलेगा साइन पाई प्लस कोस पाई और डिवाइड में आएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन 4 पाई 0 होता है, ठीक है, कोस 4 पाई 1 होता है, डिवाइड में माइनस 1 का सॉरी 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। यहां पर भी साइन पाई कोस पाई की वैल्यू रख देंगे 2 पाई आई, डिवाइड में आएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर जो कि 1 आएगा। ऊपर से मिला माइनस 1, कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस 1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और ये 2 पाई और यहां से आपको मिलेगा माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू माइनस 1 और प्लस में इधर से मिला 2 पाई आई। कैलकुलेशन को प्लस माइनस की गड़बड़ी से बचना है, ध्यान से करना है। यहां से आपको मिलेगा 2 पाई आई, ठीक है, ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, 2 पाई मिलेगा और यहां से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2 पाई आई। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 पाई आई कॉमन आ जाएगा और 2 पाई प्लस 1 और प्लस 1 2 पाई प्लस 2 मिलेगा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 को कॉमन लेकर के 4 पाई आई इंटू पाई प्लस 1। तो ये फाइनली इसका आंसर होगा, ठीक है, और इसको हम आगे भी करेंगे, सेम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कोचे की रेजिड्यू थ्योरम लगा करके। कोचे की रेजिड्यू थ्योरम से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है। तो यदि 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट कर्व के अंदर जाते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन पिछले 3 सालों से इसी टॉपिक से आता है, जिसमें 3 या 2 पॉइंट कर्व के अंदर चले जाते हैं, पहले उसमें कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगानी है और फिर अलग अलग टर्म में कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। तो ये हो जाता है कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आज के इस वन शॉट में हम इतना ही पोर्शन रखेंगे, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बताया, कोची की इंटीग्रल थ्योरम बताया, कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले को सबको ब्रीफ कर दिया मैंने कोची एक्सटेंशन थ्योरम तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूं आपके लिए टेलर सीरीज, लोरेंट सीरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे पहले टेलर सीरीज के बारे में बता दूं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी टेलर सीरीज पढ़ी है, लेकिन वो रियल वैल्यूड फंक्शन के केस में थी। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ध्यान रखना वहां पर एक्स वेरिएबल में आपने पढ़ी थी, यहां पर जेड वेरिएबल में सीरीज बनती है। तो टेलर सीरीज एंड लोरेंट सीरीज में टेलर सीरीज को पढ़ते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द सर्कल सी, एफ जेड जो है कोई सर्कल है आपके पास और वो सर्कल हमने कंसिडर किया, वो सर्कल हमने कंसिडर किया सी, ये हमारा सर्कल है सी सर्कल, और एफ जेड फंक्शन जो है इसमें एनालिटिक है। एफ जेड फंक्शन क्या है, इसके अंदर भी इसकी बाउंड्री पर भी एनालिटिक है। एंड जेड नोट इज द पॉइंट इनसाइड सी, और जेड नोट एक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कल के अंदर लाई करता है, ठीक है। देन टेलर सीरीज फॉर ऑल जेड इनसाइड सी, जितने भी जेड टाइप के एलिमेंट इस सी के अंदर लाई करेंगे, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड टाइप के सी के अंदर लाई करेंगे उन सब के लिए हम टेलर सीरीज बना सकते हैं। और टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जेड नोट। और इसी सीरीज को हम एंड टाइम तक बढ़ा सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एफ एन जेड नोट प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां पर जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है हमने जेड नोट पॉइंट पर निकाली है। यहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, यहां पर सेकंड की है, यहां पर थर्ड की है, इसी तरीके से एंथ डेरिवेटिव की वैल्यू है एट द पॉइंट जेड नोट। तो एफ जेड फंक्शन को हम जेड नोट पॉइंट के अबाउट में इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं और यही हमारी कहलाती है टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ जेड। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, यानी कि इस एन टर्म पर हमने समेशन लगा दिया जीरो से इंफिनिटी और एफ एन जेड नोट, एफ एन जेड नोट का मतलब एंथ डेरिवेटिव एट द पॉइंट जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन और जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। और चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा एंथ डेरिवेटिव निकलेगा जेड नोट पॉइंट पर वो भी एक वैल्यू होगी, फैक्टोरियल एन भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको हम ए एन लेट कर सकते हैं। इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, ए एन इसको मान सकते हैं। तो आपकी जो सीरीज है, सीरीज फिर बन जाएगी समेशन एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन।
तो ये एफ जेड के लिए हमारी टेलर सीरीज को सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। ए एन की वैल्यू है यहां पर एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन। अब टेलर सीरीज जो है वो एनालिटिक पार्ट होता है ना, इसी को एक्सटेंड करके एनालिटिक पार्ट में कुछ टर्म्स और ऐड करेंगे, उससे लोरेंट सीरीज हम बनाने वाले हैं, यानी कि फंक्शन का डोमेन हमें चेंज करना होगा। तो हमने लोरेंट सीरीज को डिफाइन किया, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन द डबल कनेक्टेड रीजन। इस बार हमने कैसा रीजन लिया, डबल कनेक्टेड रीजन लिया, और डबल कनेक्टेड रीजन सिंपल सी बात है दो कर्व से मिलके बनेगा। दो कर्व कौन कौन सी, बाउंडेड बाय द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। दो कर्व से मिलकर के डबल कनेक्टेड रीजन बनेगा, वो सर्कल्स हमारे ये मैंने कंसिडर किए। मैंने मान लिया कि ये जो सर्कल है आपका ये C1 सर्कल है, ये बाहर वाला सर्कल C1 सर्कल है, अंदर वाला सर्कल C2 सर्कल है। ऑफ रेडियस R1 एंड R2, C1 सर्कल की जो रेडियस है कॉन्सेंट्रिक है, तो सिंपल सी बात है इनका जो सेंटर होगा वो सेम होगा। इस सर्कल की रेडियस, C1 सर्कल की रेडियस R1 है और C2 सर्कल की रेडियस हमारी R2 है। तो इन दोनों सर्कल से मिलकर के जो हमारा बाउंडेड रीजन होगा डबल कनेक्टेड रीजन बनेगा, और वो रीजन हमारा बनेगा जिसको मैं शेडेड करता हूं, ये रीजन बनेगा रिंग शेप रीजन, जैसे कि ट्यूब्स में होता है, टायर्स की ट्यूब समझ लीजिए आप, है ना, ये वाला रीजन बनेगा जो कि डबल कनेक्टेड रीजन बनेगा। इस रीजन में ये वाला पोर्शन हमारा इन्वॉल्व नहीं है, जो मैंने शेडेड किया है वो रीजन हमारा इसमें आएगा। तो एफ जेड जो है इस रीजन में एनालिटिक है, ठीक है, और दो सर्कल से मिलके ये डबल कनेक्टेड रीजन बनाया, रिंग शेप रीजन इसको आप कह सकते हैं, और जेड नोट पॉइंट हमारा इन दोनों सर्कल के लिए सेंटर है। तब हम लोरेंट सीरीज को जितने भी जेड इसके अंदर लाई करेंगे रीजन के, मैंने मान लिया जेड यहां पर लाई करता है, जितने भी जेड टाइप के पॉइंट इस रीजन में लाई करेंगे उससे हम लोरेंट सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। और लोरेंट सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 से ∞ ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, और दूसरा होता है समेशन एन इक्वल टू 1 से ∞ बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो उसकी पहली टर्म लिखी है हमने उसमें समेशन एन इक्वल टू 0 से ∞ है, ऊपर देख सकते हैं कि टेलर सीरीज का ही पार्ट है, यानी कि लोरेंट सीरीज में टेलर सीरीज ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और चूंकि ये कभी भी इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा, ये एनालिटिक पार्ट हमारा कहलाता है, इसको हम बोलते हैं, जो अंडरलाइन किया मैंने, एनालिटिक पार्ट ऑफ एफ जेड, ये कभी भी आपको इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दे इस वाली टर्म में हमारा समेशन एन 1 से स्टार्ट होता है, पहले वाली टर्म में समेशन 0 से स्टार्ट होना है, समझ लीजिएगा, पहले वाली टर्म में समेशन 0 से स्टार्ट है, कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। अगर आपने जेड को जेड नोट रख दिया तो 0 बन जाएगा लेकिन इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर यहां पर देखिए दूसरा समेशन एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट है और ये हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा, कब बनेगा, यदि आपने यहां पर जेड की वैल्यू जेड नोट रख दी तो ये मिलेगा बी एन अपॉन जेड नोट माइनस जेड नोट की पावर एन, और जेड नोट माइनस जेड नोट 0 होगा और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाता है। इसका मतलब ये एनालिटिक पार्ट नहीं होगा, इस पार्ट को बोला जाता है प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, ठीक है, डिफरेंस समझिए। एनालिटिक पार्ट में जेड की टर्म हमेशा न्यूमिनेटर में आती है, और जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसमें जेड की टर्म हमेशा डिवाइड में आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। आप देख सकते हैं जेड माइनस जेड नोट की पावर एन डिवाइड में है, तो यदि किसी भी फंक्शन की सीरीज में जेड न्यूमिनेटर में आता है तो वो एनालिटिक पार्ट का पोर्शन होगा, और जिसमें जेड डिवाइड में जाएगा वो हमारा प्रिंसिपल पार्ट का पोर्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है आपका लोरेंट सीरीज का। अब हम लोरेंट सीरीज में देख सकते हैं कि इसमें टेलर सीरीज ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो कभी कभी क्वेश्चन में भी लिखा आता है कि ऑब्टेन द टेलर्स एंड लोरेंट सीरीज, मतलब दोनों उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों नाम भी एक साथ दे सकता है या आपको खाली लोरेंट सीरीज भी बोल सकता है, ठीक है। समेशन ध्यान रखना पहली टर्म में 0 से स्टार्ट होता है, दूसरी टर्म में 1 से स्टार्ट होता है। एनालिटिक पार्ट में जेड हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और प्रिंसिपल पार्ट में जेड हमेशा डिवाइड में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ये होती है लोरेंट सीरीज की डेफिनेशन, जिसको हमने रिंग शेप रीजन इस डबल कनेक्टेड रीजन में डिफाइन किया है। अब इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं जो कि आपको एग्जांपल्स में यूज करनी है। सबसे पहले एक एफजेड फंक्शन दिया होगा, उसको पार्शियली फ्रैक्शन करके अलग अलग कर लेंगे। दूसरा, फिर हमें जो रीजन दिया होगा हमें उस रीजन को मेक द रीजन लेस देन वन, हमें उस रीजन को लेस देन वन बनाना है।
ठीक है, मान लो आपको मोड जेड लेस देन 3 दिया है तो आप इसको 3 से डिवाइड लगा देंगे और 3 से डिवाइड करके लेस देन 1 हो जाएगा। मान लो आपको दिया है मोड जेड ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे लेस देन 1 बनाने के लिए, इसको आप मोड जेड से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 अपॉन मोड जेड हो जाएगा और इसका मतलब आएगा 3 अपॉन मोड जेड लेस देन 1। तो हमें रीजन को ना लेस देन 1 बनाना है। रीजन को लेस देन 1 बनाने में जेड आपका न्यूमिनेटर में आ सकता है या जेड आपका डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ सकता है, ठीक है। तो पहली स्टेप आपको समझनी है कि आपको रीजन जो भी दिया हो उसको लेस देन 1 बनाना है। दूसरी स्टेप, इफ इन द रीजन जेड इज इन न्यूमिनेटर, अगर जेड न्यूमिनेटर में आता है देन आपको कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन लेकर के एक्सपेंड करना होगा फंक्शन के लिए। एक्सपेंशन कैसे करना होगा, कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन लेकर के करना होगा। जैसे कि यहां पर जेड न्यूमिनेटर में है तो इसके लिए आप जो 3 वाला फैक्टर होगा, जो भी फैक्टर होगा उसमें आप जेड को न्यूमिनेटर में रखेंगे। न्यूमिनेटर में रखने का तरीका एक ही तरीके, आपको कॉन्स्टेंट टर्म वहां पर कॉमन लेनी है। मतलब अगर जेड को न्यूमिनेटर में रखना है कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन लेनी है। ऐसे ही इन द रीजन अगर जेड आपका डिनोमिनेटर में आ जाए, जेड इज इन द डिनोमिनेटर, देन टेक जेड कॉमन। अगर जेड डिवाइड में आता है रीजन में, जैसे कि यहां पर बना है देख सकते हैं आप जेड डिवाइड में है, ठीक है, तो अगर जेड डिवाइड में जाता है तो आपको जेड कॉमन लेना है। अगर जेड आपका ऊपर रहता है न्यूमिनेटर में तो आपको कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन लेना है और एक्सपेंशन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन इसके होते हैं, एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि फाइंड द टेलर्स एंड लोरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की टेलर्स एंड लोरेंट सीरीज आपको फाइंड करनी है और कुछ रीजन आपको दिया है, ये रीजन दिया है, ये रीजन दिया है, ये रीजन दिया है और ये रीजन दिया है। चारों रीजन में हमें इसकी सीरीज को फाइंड करना है। सबसे पहले जो भी सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन है उसको लिख लेंगे। गिवन है आपका एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन जेड प्लस 2 और जेड प्लस 3, ये आपको रीजन फंक्शन गिवन है। सबसे पहला काम है पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको अलग अलग करना, फैक्टर फॉर्म में लाना। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मुझे नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर 3z प्लस 2z हो जाएगा 5z और प्लस 6। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नीचे भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर है। तो जब भी ऊपर नीचे की डिग्री बराबर हो जाती है, ऊपर की डिग्री बड़ी हो जाती है, तो पहले हम डिवाइड करते हैं तब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अगर आपने बिना डिवाइड किए क्वेश्चन कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए स्पेशली याद रखना जब भी डिग्री सेम होगी आपको पहले डिवाइड लगाना होगा। तो डिवाइड लगा लेते हैं, डिवाइड में इधर लगाता हूं साइड में, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 से डिवाइड लगाया जेड स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है, तो ये यहां पर 1 टाइम चलेगा और इससे आपको मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 6, ठीक है। माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से कितना मिलेगा माइनस 5z और यहां से आपको मिलेगा माइनस 1 माइनस 6 यानी कि माइनस के 7, ठीक है। तो डिवाइड करके ये आएगा, इसमें आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम से हमारा फंक्शन बनेगा 1 और यहां से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से और ये होगा 5z और प्लस 7 और डिवाइड बाय जिससे डिवाइड लगाया है जेड स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 6। इस तरीके से हम इसको एक बार डिवाइड लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम से, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको वापस फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, 1 माइनस ये हमारा फैक्टर फॉर्म में आया है, इसको मैं येलो कलर से बताता हूं। फैक्टर फॉर्म में आएगा 5z प्लस 7 तो ऊपर रहेगा और नीचे वापस इसके फैक्टर करेंगे तो यही आएंगे z प्लस 2 और z प्लस 3, फैक्टर इसके वही आएंगे सेम। अब हम क्या करेंगे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, जो येलो वाला पोर्शन है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। 1 माइनस को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज चलेगा, वो पार्शियली फ्रैक्शन ऑलरेडी हो रखा है, केवल हमने येलो वाला जो पोर्शन है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है और ट्रिक से जाएंगे जो मैंने आपको यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 3 में पहले भी बताई है, ठीक है। ट्रिक से जाएंगे तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इसका पहला फैक्टर उठा लो जेड प्लस 2, जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 आएगा तो जेड की वैल्यू आएगी माइनस 2। अब हमें जेड की वैल्यू माइनस 2 रखनी है, लेकिन जो फैक्टर हम उठाते हैं उसमें वैल्यू नहीं रखी जाती। यहां पर भी हम जेड को माइनस 2 रखेंगे और यहां पर भी हम जेड को माइनस 2 रखेंगे, ऊपर से मिलेगा 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 7
और नीचे से आपको मिलेगा माइनस टू प्लस थ्री आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ये आपको देगा माइनस टेन प्लस सेवन और नीचे से आपको मिलेगा प्लस के वन। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके माइनस थ्री वैल्यू आएगी, ये हमारी वैल्यू ए की हो जाएगी। तो शॉर्टकट ट्रिक से इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम दूसरा फैक्टर उठाएंगे, दूसरा फैक्टर उठाने के लिए आपका है जेड प्लस थ्री। अब जेड की वैल्यू आएगी माइनस थ्री, लेकिन जो फैक्टर हमने उठाया है उसमें वैल्यू नहीं रखी जाएगी, वैल्यू रखी जाएगी फाइव जेड प्लस सेवन और अपॉन जेड प्लस टू। कुछ स्टूडेंट इस वन को भी इन्वॉल्व करा देते हैं, डेट इज रॉन्ग। हमें पार्शियल फ्रैक्शन केवल इसका करना है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वन माइनस हम ऑलरेडी अब बाहर लिख चुके हैं, उसका कोई यूज नहीं है कैलकुलेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू माइनस थ्री रखेंगे, जो बचा है ऊपर ये बचा है नीचे बचा है, जेड को माइनस थ्री रखने पर ऊपर से मिलेगा माइनस थ्री रखने पर माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन और माइनस थ्री रखने पर यहां से मिलेगा आपको माइनस थ्री प्लस टू, ऊपर से मिलेगा माइनस एट नीचे से माइनस वन, इससे सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी प्लस के एट। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस के एट। तो इस तरीके से हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हुए और ये शॉर्टकट ट्रिक से हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया, साइड में लिख देंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको सॉल्व किया। अब एफ जेड हमारे पास बन गया पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद, दिस इंप्लाइज एफ जेड फंक्शन जो है वो हमारा बन जाएगा वन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू और माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री और ये पार्शियल फ्रैक्शन होके इक्वेशन वन हमारी बन गई। तो पहला काम होता है जो भी फंक्शन दिया है उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके इस फॉर्म में लाना। अगर पावर सेम नहीं है तब आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, अगर पावर सेम है ऊपर नीचे तो आपको पहले डिवाइड लगाना हो, और अगर ऊपर पावर ज्यादा है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसमें ऊपर पावर ज्यादा थी तब भी डिवाइड लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होकर के आ जाएगा। अब हमें रीजन को उठाना है, रीजन हमारा है पहला मोड जेड लेस देन टू, रीजन को उठाएंगे मोड जेड लेस देन टू। तो फर्स्ट रीजन मैंने उठाया नंबर वन, रीजन दिया है मोड जेड लेस देन टू। जैसा कि मैंने आपको बताया था रीजन को लेस देन वन बनाना है, तो रीजन को लेस देन वन बनाने के लिए हमें टू से डिवाइड करना पड़ेगा और टू से डिवाइड करके आप देख सकते हैं लेस देन वन बन जाएगा। लेस देन वन बनाने में आप देख सकते हैं कि जो जेड है हमारा वो न्यूमिनेटर में आया है, जेड हमारा कहां पर आया है न्यूमिनेटर में आया है, यानी कि पूरे एफ जेड में एक्सपेंशन करते हुए हमें जेड को न्यूमिनेटर में रखना है। और अभी मैंने नोट बताया था अगर जेड को न्यूमिनेटर में रखना है तो कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन लेनी है फैक्टर से, और अगर आपको जेड को डिनोमिनेटर में रखना है तो जेड कॉमन लिया जाएगा। यहां पर आपका जो जेड है वो न्यूमिनेटर में रखना है, इसलिए हम न्यूमिनेटर के लिए न्यूमिनेटर में जेड को लाने के लिए कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन लेंगे, इसलिए हमने उठाया इक्वेशन वन को, फ्रॉम वन इक्वेशन वन को उठाया। इक्वेशन वन है एफ जेड इक्वल टू वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू और माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री। यहां से मैंने कॉमन लिया प्लस के टू, तो ये मिल जाएगा आपको प्लस के टू कॉमन लेने पर वन प्लस जेड अपॉन टू। आप देख सकते हैं कि जेड हमारा न्यूमिनेटर में आया है, माइनस एट यहां से कॉमन लेगी कॉन्स्टेंट टर्म थ्री, इससे आपको मिलेगा वन प्लस जेड अपॉन थ्री। तो जेड को न्यूमिनेटर में रखने के लिए कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन लेनी होती है, मैंने यहाँ पर टू कॉमन लिया, यहाँ पर थ्री कॉमन लिया, ठीक है ना। इससे आपको मिलेगा वन प्लस थ्री अपॉन टू और ऊपर जाके वन प्लस जेड अपॉन टू की पावर माइनस वन, माइनस एट अपॉन थ्री ऊपर जाके वन प्लस जेड अपॉन थ्री की पावर माइनस वन, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल फॉर्मूले लगा देंगे अपने, जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन वाला, अल्टरनेट टर्म चलती है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। एक्स का काम करेगा पहले टर्म में जेड अपॉन टू, दूसरे टर्म में जेड अपॉन थ्री, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा के हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहां से आपको मिलेगा वन प्लस थ्री अपॉन टू, ये मिलेगा वन माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर थ्री, तो ये जेड की पावर एट सॉरी वन माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री, यानी कि जेड की पावर थ्री अपॉन एट और प्लस डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन में जेड ऊपर आया है,
क्योंकि जेड हमारा रीजन में ऊपर था, इसलिए एक्सपेंशन में भी जेड ऊपर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप माइनस के 8/3 कॉमन ले लेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की पावर 3, इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये टर्म्स आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप चाहे तो उसको थोड़ा बहुत आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पर एक्सपेंशन फॉर्म में छोड़ देंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर करना चाहे कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट टर्म सिंप्लीफाई करना और जेड से जेड वाली टर्म, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर वाली टर्म, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 + 3/2 समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n और z/2 की पावर n, क्योंकि इसमें n को 0 रखेंगे तो 1 आएगा, n को 1 रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और z/2 की पावर बनाएगी, 2 रखने पर पॉजिटिव आएगा, तो ये n की फॉर्म में सिंपल जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा, -8/3। ऐसे ही समेशन में इसको लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ये होगा -1 की पावर n और z/3 की पावर n। तो उसको इस तरीके से आप एक्सपेंशन फॉर्म में ला करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन इस फंक्शन के लिए। जब भी अल्टरनेट टर्म आएगी, -1 की पावर n इन्वॉल्व होगा, तो एक रीजन में हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हम दूसरा रीजन उठाते हैं। दूसरा रीजन आपको गिवन है मोड जेड ग्रेटर देन 3। अब मोड जेड ग्रेटर देन 3 उठाएंगे। ठीक है, नंबर टू, दूसरा रीजन है मोड जेड ग्रेटर देन 3। हमें इस रीजन को भी लेस देन 1 बनाना है। लेस देन 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो ये 1/mod z और ये 1/3 हो जाएगा। रिवर्स होते ही ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा और फिर हम 3 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/mod z और इधर हो जाएगा लेस देन 1। आप देख सकते हैं कि रीजन हमारा लेस देन 1 की फॉर्म में आ गया। लेकिन लेस देन 1 बनाने में आपने ये देखा कि जो जेड है वो हमारा डिवाइड में आया है। अगर जेड डिवाइड में है तो आपको जेड ही कॉमन लेना होगा और जेड डिवाइड में ही एक्सपेंशन में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम फिर से वही एफ जेड को उठाएंगे। नाउ एफ जेड जो फंक्शन है हमारा वो है बाई पार्सल फ्रैक्शन जो किया था इक्वेशन 1 में, 1 + 3/z + 2 और -8/z + 3। अब चूंकि हमें रीजन के अकॉर्डिंग जेड को डिवाइड में लाना है, तो जेड को डिवाइड में लाने के लिए मैंने आपको बताया था जेड ही कॉमन लेना होगा, तो यहां पर भी मैंने जेड कॉमन लिया, तो जेड कॉमन लेकर के मिलेगा 1 + 2/z। ठीक है, जेड डिवाइड में आ गया, यहां पर भी आपको जेड कॉमन लेना होगा और जेड कॉमन लेकर के आएगा 1 + 3/z और जेड डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको भी फिर ऐसे ही हम एक्सपेंड कर देंगे, इससे आपको मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3/z बाहर और ये ऊपर चला जाएगा 1 + 2/z की पावर -1, ये -8/z बाहर 1 + 3/z की पावर -1। ठीक है, अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे 1 - x + x² वाला, तो 3/z बाहर रहेगा और यहां से मिलेगा 1 - z यानी कि 2/z + z² 4/z² -8/z की पावर 3 +.. ऐसे ही सेकंड टर्म में फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये होगा 1 - x और +x² और -x की पावर 3। तो इस तरीके से हम दोनों टर्म में फॉर्मूला लगा देंगे तो ये एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। अल्टरनेट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3/z और समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और यहां पर होगा -1 की पावर n और 2/z की पावर n। ठीक है, n की वैल्यूज रखेंगे तो आपको यही टर्म्स मिल जाएगी, ऐसी -8/z और ये होगा समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और -1 की पावर n 3/z की पावर n। तो ये एफ जेड हमारा एक्सपेंड हो गया दूसरे रीजन में। दूसरा रीजन था मोड जेड ग्रेटर देन 3, क्योंकि जेड डिवाइड में आया था तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पर भी जेड डिवाइड में आया है। और जब जेड न्यूमिनेटर में आता है तो वो एनालिटिक पार्ट बनाता है, ठीक है, टेलर सीरीज बनती है वो, और जब हमारा जेड डिवाइड में आता है तो वो प्रिंसिपल पार्ट बनाता है, जो कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था। अभी तक जो दो अलग अलग रीजन दिए, एक में हमारा एनालिटिक पार्ट आया, एक में प्रिंसिपल पार्ट आया,
अब तीसरा रीजन लेते हैं जो रिंग शेप रीजन है, जिसमें पूरी लोरेंट सीरीज बनेगी, जिसमें एनालिटिक पार्ट भी आएगा और जिसमें प्रिंसिपल पार्ट भी आएगा। तो तीसरा रीजन है हमारा मोड जेड टू से बड़ा और थ्री से छोटा, ये तीसरा रीजन हम ले लेते हैं। अब नाउ थर्ड रीजन, मोड जेड टू से तो बड़ा है और थ्री से छोटा है, इसका मतलब हमें इसको अलग अलग करना होगा पहले। दिस इंप्लाइज टू लेस देन मोड जेड एंड मोड जेड लेस देन थ्री। यहां पर लेस देन वन बनाने के लिए मोड जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर लेस देन वन बनाने के लिए आपको थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों आप देख सकते हैं लेस देन वन बन गए, लेकिन बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो टू वाला फैक्टर होगा, यहां पर दो फैक्टर है हमारे पास, एक तो है ये टू वाला फैक्टर जेड प्लस टू, एक है थ्री वाला फैक्टर जेड प्लस थ्री। जो टू वाला फैक्टर होगा उसमें जेड नीचे रखना है तो जेड कॉमन लिया जाएगा, और जो थ्री वाला फैक्टर उसमें जेड ऊपर रखना है तो कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन ली जाएगी। अब हम एफ जेड को उठाते हैं और एक्सपेंशन करते हैं। नाउ एफ जेड है हमारा वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू, जो कि इक्वेशन वन में आया था हमारा, माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री। तो जो टू वाला फैक्टर है उसमें जेड नीचे रखना है, जो थ्री वाला फैक्टर है उसमें जेड ऊपर रखना है। तो जेड को नीचे रखने के लिए टू वाला फैक्टर ये है, इसमें मैंने जेड कॉमन लिया, देख सकते जेड नीचे चला गया, ठीक है। माइनस एट, थ्री वाले फैक्टर में जेड को ऊपर रखना है तो कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन ली जाएगी, देख सकते जैसा आपका रीजन है उसी फॉर्म में आ गया, जेड अपॉन थ्री जेड अपॉन थ्री, और यहां पर टू अपॉन जेड, और ये आपका टू अपॉन जेड, ठीक है। अब इनको हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंशन का फॉर्मूला वही चलेगा जो ऊपर हमने यूज किया था, ये हो जाएगा वन प्लस थ्री अपॉन जेड, और ऊपर जाके वन प्लस टू अपॉन जेड की पावर माइनस वन, माइनस एट अपॉन थ्री, और वन प्लस जेड अपॉन थ्री की पावर माइनस वन। दोनों में एक्सपेंशन मेथड लगा देंगे तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर थ्री। आप देख सकते हैं इसमें आपका जेड डिवाइड में जाएगा, माइनस एट अपॉन थ्री, और ये आपको देगा वन माइनस जेड अपॉन थ्री प्लस जेड स्क्वायर अपॉन नाइन, और माइनस जेड की पावर थ्री अपॉन 27। इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहां पर जेड डिवाइड में आता है वो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होता है। एफ जेड का कैसा पार्ट होगा? प्रिंसिपल पार्ट होगा। आप देख सकते हैं इसमें जेड डिवाइड में है, और जहां पर जेड हमारा न्यूमिनेटर में आता है उसको एनालिटिक पार्ट कहते हैं, एनालिटिक पार्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको पूरी लोरेंट सीरीज मिलेगी, ठीक है, जिसमें हमारा प्रिंसिपल पार्ट भी आएगा, जिसमें हमारा एनालिटिक पार्ट भी आएगा। प्रिंसिपल पार्ट वो होता है जिसमें जेड नीचे आता है, और एनालिटिक पार्ट वो होता है जिसमें जेड ऊपर आता है। अगर रीजन आपको रिंग शेप दिया है, इस तरीके से दिया है, ठीक है ना, रिंग शेप रीजन दिया है, तब आपका पूरी लोरेंट सीरीज बनती है जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में बनाई। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिस फैक्टर में जेड ऊपर होगा उसमें हमें जेड को उसमें हमें कॉन्स्टेंट कॉमन लेना है, जिस फैक्टर में जेड नीचे होगा उसमें हमें जेड कॉमन लेना है, एक्सपेंशन करना है। लास्ट में जो रीजन है वो देख लेते हैं। लास्ट में आपको रीजन दिया है, रीजन नंबर फोर, एग्जाम में इनमें से कोई तीन रीजन पूछे जाते हैं। रीजन नंबर फोर, जीरो से जीरो लेस देन मोड ऑफ जेड प्लस टू लेस देन वन, जीरो लेस देन मोड ऑफ जेड प्लस टू लेस देन वन, जीरो लेस देन, फोर्थ रीजन है हमारा, जीरो लेस देन मोड ऑफ जेड प्लस टू लेस देन वन। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको यहां पर जेड की जगह पर जेड प्लस आई, जेड माइनस आई, जेड प्लस टू, जेड प्लस थ्री, कुछ भी इस तरीके से दिया हो जेड की जगह पे, तब आपको उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है। सब्स्टिट्यूशन लगा के तब हम एक्सपेंशन करते हैं। तो यहां पर हम लेट कर लेंगे जेड प्लस टू की वैल्यू को टी, इससे हमारा जेड निकल के आएगा टी माइनस टू, और ये रीजन बदल जाएगा जीरो ग्रेटर देन मोड ऑफ टी और लेस देन वन में, जिसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो जीरो से बड़ा मोड टी एंड मोड टी लेस देन वन, ठीक है। अब हम इक्वेशन वन को उठाएंगे नाउ, जिसमें एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करना है एफ जेड का,
एफ जेड आपका इक्वेशन वन में थ्री अपॉन जेड प्लस टू और माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री। इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमें टी में कन्वर्ट करके एक्सपेंड करना है, तो इसके में हम जो हमने माना है वो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, वन प्लस थ्री और जेड की वैल्यू हमारी है टी माइनस टू, ठीक है, जेड प्लस टू को टी रखेंगे तो टी हो जाएगा और यहां पर माइनस एट, और यहां पर अगर जेड प्लस टू को हम टी रखेंगे तो ये टी प्लस वन हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर टी जो है ऑलरेडी लेस देन वन है और टी न्यूमिनेटर में है, तो हमें सिंपली एक्सपेंशन कर देना है, पहली दो टर्म को नहीं छेड़ेंगे, वो ऑलरेडी एक्सपेंशन फॉर्म में है, और यहां पर हम इसको वन प्लस टी की पावर माइनस वन ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वन प्लस थ्री अपॉन टी माइनस एट, और इसमें सीरीज लगा देंगे वन माइनस टी प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी की पावर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, टी की वापस वैल्यू रख देंगे, वन प्लस थ्री अपॉन टी की वैल्यू है हमारी जेड प्लस टू, ठीक है, माइनस एट, यहां पर भी हम वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है जेड प्लस टू और यहां पर जेड प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस जेड प्लस टू की पावर थ्री और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से जब भी इस तरीके से हमें दिया जाता है कि यहां पर जेड की जगह पर जेड प्लस टू जेड माइनस थ्री कुछ भी दे दिया जाए, तो आपको उसको टी मान करके इस तरह सब्स्टिट्यूशन करके टी में सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा फोर्थ रीजन में एक्सपेंशन हुआ। ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करा एग्जाम में, इसमें से कोई तीन पार्ट पूछे जाते हैं, तीन रीजन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं टेलर लॉरेंट सीरीज वाले। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्लासीफाई करना सीखते हैं सिंगुलरिटीज को, सिंगुलरिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन की जीरोज को फाइंड करना सीखेंगे। नाम से क्लियर है एनालिटिक फंक्शन की जीरो मतलब जिन पॉइंटों पर फंक्शन जीरो वैल्यू देगा वे पॉइंट हमारी जीरोज कहलाएंगी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। वही डेफिनेशन में लिखा है द पॉइंट्स एट विच द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम जीरो, मे पॉइंट जिन पर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जीरो बन जाता है आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। कुछ बातें नोट में लिखी है, याद रखनी है, फॉर द जीरोज, जीरोज के लिए हमें न्यूमिनेटर पार्ट को जीरो रखना होता है एफ जेड के, ठीक है ना। द पावर ऑफ द फैक्टर डिफाइंड द ऑर्डर ऑफ द जीरोज, जो भी फैक्टर की पावर होगी उसी से जीरो की ऑर्डर डिफाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन आपको दिया है, इसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं, तो फोर जीरोज पुट कर देंगे यहां पर हम न्यूमिनेटर पार्ट को, न्यूमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर को जीरो रखेंगे तभी फंक्शन हमारा जीरो बनेगा, और इसीलिए हमें जो वैल्यूज मिलती है, पॉइंट जो मिलते हैं वो जीरोज कहलाती है। तो यहां से जेड की माइनस वन की पावर थ्री है तो जेड की वैल्यू तीन बार रिपीट होगी, वन वन वन, और यहां पर जेड की वैल्यू एट है तो जेड की वैल्यू सिंगल टाइम आएगी एट, ठीक है। तीन टाइम वैल्यू आई है, इस फैक्टर की तीन पावर थी, तो ये कहलाता है जीरो ऑफ ऑर्डर थ्री, ये आपका होगा जीरो ऑफ ऑर्डर थ्री, ठीक है। जेड इक्वल टू वन कितने ऑर्डर की जीरो है, तीन ऑर्डर की जीरो है, क्योंकि इस फैक्टर की पावर थ्री थी इसलिए तीन बार हमारी पॉइंट रिपीट होगा। यहां पर एक ही बार वैल्यू आई है, इस फैक्टर की पावर वन थी, ये होता है सिंपल जीरो, ये होता है सिंपल जीरो, या फिर जीरो ऑफ ऑर्डर वन, जीरो ऑफ ऑर्डर वन, ठीक है। तो अगर एक पावर का फैक्टर है, एक बार वैल्यू मिली है, सिंपल जीरो या जीरो ऑफ ऑर्डर वन कहते हैं, और जितनी पावर हमारे फैक्टर की होती है, दो पावर आएगी तो ऑर्डर ऑफ टू जीरो, है ना, तीन पावर आएगी तो जीरो ऑफ ऑर्डर थ्री, फोर पावर आएगी तो जीरो ऑफ ऑर्डर फोर। इस तरीके से आप जीरोस को फाइंड कर सकते हैं, और ये वे पॉइंट होते हैं जिन पर एनालिटिक फंक्शन जीरो बनता है। इन पॉइंटों को आप यहां पर रखेंगे तो आपका फंक्शन जीरो बनेगा, इसलिए जीरोस कहलाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सिंगुलर पॉइंट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। सिंगुलर पॉइंट जो कि आपने कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों में भी मैंने बताए थे, है ना, सिंगुलर पॉइंट्स वे पॉइंट होते हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, एनालिटिक मतलब जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देता है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। द पॉइंट एट विच द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम्स इनफाइनाइट, वे पॉइंट जिन पर एफ जेड क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, यानी कि इन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, दैट इज द पॉइंट्स एट विच एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, जिन पॉइंटों पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है उन पर कभी भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, और वही हमारे कहलाते हैं पॉइंट सिंगुलर पॉइंट्स। नहीं, कैसे कहलाते हैं हमारे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट्स। जीरोस के लिए तो न्यूमिनेटर को जीरो रखना होता है, और सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमें डिनोमिनेटर को जीरो रखना होता है, जो कि आपने कुछ इंटीग्रल फॉर्मूलों में किया था। सेम तरीके से आप एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, हमें इसके सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने हैं,
तो हम इसके डिनोमिनेटर को जीरो रख देंगे, ठीक है ना, फॉर सिंगुलर पॉइंट्स, फॉर सिंगुलर पॉइंट्स। अगर आप इसके सिंगुलर पॉइंट्स निकाले तो पुट करना होगा डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड को जीरो, और अगर डिनोमिनेटर को जीरो पुट करते हैं तो जेड माइनस वन की पावर थ्री और जेड माइनस एट इक्वल टू जीरो, और यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 1113 टाइम, है ना, 1113 टाइम और जेड इक्वल टू एट। ये जो पॉइंट हमारे आए हैं ये हमारे इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट है, और इन पॉइंटों पर ये फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा। इन पॉइंटों पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा, और जिन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वही सिंगुलरिटी या पोल कहलाते हैं। इसको पोल में आगे डिफाइन करेंगे हम, फिलहाल सिंगुलर पॉइंट से समझिए। फिर बात करते हैं हम आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। आइसोलेटेड नाम से क्लियर है, ठीक है, आइसोलेटेड वो सिंगुलरिटी होगी कि कोई भी सिंगुलर पॉइंट है वो आइसोलेटेड कहलाएगा यदि उसके आसपास के नेबर में आपको कोई भी सिंगुलरिटी ना मिले, तो वो आइसोलेटेड होगा, अदरवाइज होगा नॉन आइसोलेटेड। वही मैंने लिखा भी है, फॉर द फंक्शन एफ जेड इफ देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी विद इन ए स्मॉल नेबरहुड ऑफ द सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट, देन जेड इक्वल टू जेड नोट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। मतलब अगर एफ जेड कोई फंक्शन है और ये आपका जो सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन के लिए वो जेड नोट है, मतलब जेड नोट पॉइंट पर ये फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देगा, जेड नोट पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो ये हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब बनेगी? आपने इसके इसको सेंटर मान करके एक छोटा सा नेबरहुड बनाना है, छोटा सा सर्कल बनाना है। अगर आपको इस जेड नोट से अलग इस सर्कल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिले जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी बन जाए, इसका मतलब ये आइसोलेटेड है, ठीक है। ये कैसी सिंगुलरिटी कहलाएगी इस केस में? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी, मतलब उसके नेबरहुड में जेड नोट से अलग कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती है। फिर आगे चलते हैं, अभी मैंने आपको लोरेंट सीरीज बताई थी, लोरेंट सीरीज की हेल्प से टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज को पढ़ते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज। सबसे पहले आपको पता है कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है एफ जेड रिंग शेप रीजन में, ठीक है, किसी डोमेन डी में, और किसको छोड़कर? जेड नोट पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि जेड नोट पॉइंट पर इन्फिनिटी नहीं आता है, क्योंकि जब लोरेंट सीरीज बनाते हैं इसमें आप यहाँ पर जेड को जेड नोट रखो, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी बनेगा, इसलिए हमारा जेड नोट पर सिंगुलर पॉइंट देगा और जेड नोट पर एनालिटिक नहीं होगा। वही लिखा है, अगर एफ जेड आपका एनालिटिक हो लेकिन इस पॉइंट को छोड़कर, तब हम लोरेंट सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। लोरेंट सीरीज का फॉर्मूला हमने लिखा, ये आप जानते हैं, ये इसका होता है एनालिटिक पार्ट, जैसा कि अभी बताया था, एनालिटिक पार्ट ऑफ एफ जेड, ठीक है, और ये हमारा होता है जिसमें जेड डिवाइड में होता है प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, जिसमें जेड डिवाइड में होता है वो होता है प्रिंसिपल पार्ट, और जिसमें जेड डिवाइड में नहीं होता न्यूमिनेटर में होता है वो होता है एनालिटिक पार्ट। अब इसका जो एनालिटिक पार्ट है इससे हम टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी को डिफाइन करेंगे। अगर इस एनालिटिक पार्ट में कोई भी टर्म हमारी नहीं आती है एक्सपेंशन में तो हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाएगी। अगर इन्फाइनाइट टर्म प्रिंसिपल पार्ट में आ जाए तो वो हमारी आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगी, और अगर हमारी फाइनाइट टर्म प्रिंसिपल पार्ट में आती है तो वो हमारा जेड इक्वल टू जेड नोट जो पॉइंट है वो पोल बना देता है। वही चीजें मैंने तीनों बताई है यहां पर। इफ नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट, अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना आए, देन जेड इक्वल टू जेड नोट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तब इस केस में तो जेड इक्वल टू जेड नोट सिंगुलर पॉइंट है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनाएगा। इफ इनफाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म आ जाए तो ये जो जेड इक्वल टू जेड नोट पॉइंट है, जो सिंगुलर पॉइंट है, ये हमारा आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी को डिफाइन करता है। फिर इफ फाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म आए, तीन चार पांच एन टर्म तक आए, है ना, फाइनाइट टर्म्स आए, तो ये हमारा जेड इक्वल टू जेड नोट जो है ये पोल बन जाता है। पोल जिसको कि हम कोची रेजिड्यू थ्योरम में आगे यूज करेंगे, पोल से ही हमारा रेजिड्यूज निकालना सीखेंगे और उससे बनेगी कोची की रेजिड्यू थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों को एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्लासिफाई द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। इस फंक्शन की हमें सिंगुलरिटी को क्लासिफाई करना है, बताना है कि कौन से टाइप की सिंगुलरिटी बनेगी। तो हमें फंक्शन दिया है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन जेड माइनस ए साइन जेड माइनस ए,
साइन एक्स की सीरीज से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंशन करना है ना। साइन एक्स की सीरीज आप जानते हैं, एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये साइन एक्स की सीरीज होती है। तो यहाँ पर हम साइन एक्स की सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक्स का जो यहाँ पर काम करेगा वो करेगा काम जेड माइनस ए, एक्स का काम करेगा जेड माइनस ए। तो हमने इस सीरीज में एक्स की जगह पे जेड माइनस ए यूज किया और फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। अल्टरनेट टर्म होती है, ओड पावर्स आती है साइन की सीरीज में, कोस की पावर्स में भी अल्टरनेट होता है लेकिन इवन पावर आती है, 0, 2, 4, 6, 8 यहां पर आता है 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। तो साइन एक्स की सीरीज लगाई जिसमें एक्स की वैल्यू जेड माइनस ए हमने रख दी। अभी जो बाहर वाला वन अपॉन जेड माइनस ए है इसको अंदर ले जाएंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये यहां पर इससे कट के वन देगा, यहां पर जब जाएगा तो उसकी पावर 3 है 2 बच जाएगी, एक कट जाएगा, इसकी पावर 5 है 4 बच जाएगी, इसकी पावर 7 है 6 बच जाएगी। तो इस फंक्शन का एक्सपेंशन ये आ जाएगा, इस फंक्शन का ये एक्सपेंशन आएगा। इसमें अगर आप जेड को देखें, जेड आपका हर टर्म में न्यूमिनेटर में है, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट यहां पर नहीं बना, प्रिंसिपल पार्ट में जेड डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट यहां पर एक भी टर्म आपको नहीं मिली है, नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट, वही मैंने लिखा है नो टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये जो जेड इक्वल टू ए पॉइंट है जो जिस पे ये इन्फिनिटी बनेगा फंक्शन, वो हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी किस पे बनेगा, जेड इक्वल टू ए पर। तो जेड इक्वल टू ए का ही केस डिस्कस करना है, पहले एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन में आपने देखा कि यहां पर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं आई है, जेड कहीं पर भी डिवाइड में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं है, तो जेड इक्वल टू ए फर्स्ट नोड जो ऊपर बताया था रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनाए। आगे चलते हैं, दूसरा क्लासिफाई द सिंगुलरिटी फंक्शन के लिए आपको सिंगुलरिटी क्लासिफाई करने, कोस वन अपॉन जेड माइनस टू, यहां पर कोस की सीरीज ओपन होगी और जेड इक्वल टू टी टू पर यहां पर इन्फिनिटी बनेगा वन अपॉन जीरो, इसलिए हमें जेड इक्वल टू टू वाला केस डिस्कस करना है। तो कोस एक्स की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसमें भी अल्टरनेट होता है, इवन पावर चलती है। तो यहां पर हमने जेड एक्स की वैल्यू रखी 1 अपॉन जेड माइनस 2, ये हमारी एक्स की वैल्यू है, तो ये एक्स की वैल्यू फॉर्मूले में रख दी। तो फॉर्मूले में रख के इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से आपको इस फंक्शन का एक्सपेंशन मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि पहली टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स में जेड डिवाइड में है, और कहां तक है, इनफाइनाइट तक, देख सकते हैं जेड डिवाइड में है और कहां तक है, इनफाइनाइट तक। और जिस जिन टर्म्स में, जिस एक्सपेंशन में जेड डिवाइड में आता है वो प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है, यानी कि अगर यहां पर प्रिंसिपल पार्ट की बात करें तो इनफाइनाइट टर्म्स हमारी प्रिंसिपल पार्ट में आएगी, और जब प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स आती है तो हमारा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाती है, वही मैंने यहां पर लिखा है इनफाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। तो जेड इक्वल टू टू जो पॉइंट है वो हमारा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई भी टर्म ना आए तो रिमूवेबल, इनफाइनाइट टर्म आए तो आइसोलेटेड एसेंशियल, और फाइनाइट टर्म आए तो वो होता है पोल। अब हम लास्ट में चलते हैं, क्लासिफाई द सिंगुलरिटी ऑफ दिस फंक्शन, जेड इक्वल टू थ्री पर इन्फिनिटी बनेगा, एक्सपेंशन करते हैं इसको, हम वन अपॉन जेड माइनस थ्री की पावर फोर को बाहर लिख लेंगे, यहां पर बचेगा साइन जेड माइनस थ्री, साइन की सीरीज जो है उसको ओपन कर देंगे, एक्स का काम करेगा यहां पर जेड माइनस थ्री, साइन की सीरीज मैंने बताई थी आपको पीछे, तो साइन की सीरीज को ओपन करेंगे तो ये जेड माइनस थ्री माइनस जेड माइनस थ्री की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, जेड माइनस थ्री की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव, इस तरह एक्सपेंड हो जाएगा। जो बाहर है इसको अंदर लेकर के जाएंगे, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वन अपॉन जेड माइनस थ्री की पावर थ्री बचेगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो तीन पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जेड माइनस थ्री की पावर यहां पर फोर है और यहां पर फाइव है, तो इसका मतलब जेड माइनस यस वन पावर यहां पर बचेगी। ठीक है, ये फोर पावर है, ये फाइव है, तो फोर पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी, फिर जब इसके साथ जाएगा तो सेवन पावर और माइनस फोर, तो थ्री पावर बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग की दो टर्म है उसमें जेड डिवाइड में है, बाकी जितने भी आगे सारी टर्म्स आपको मिलेगी उसमें जेड डिवाइड में नहीं है। ठीक है,
और जिसमें जेड डिवाइड में नहीं होता न्यूमिनेटर में होता है वो एनालिटिक पार्ट होता है, और जिसमें जेड डिवाइड में आता है उसको प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। और आप देख सकते हैं प्रिंसिपल पार्ट में केवल दो टर्म आई है, और दो टर्म आने का मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म है, और फाइनाइट टर्म का मतलब ये होगा जेड इक्वल टू थ्री यहाँ पर पोल बनाएगा बाय द डेफिनेशन। वही मैंने लिखा है फाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, तो जेड इक्वल टू थ्री जिस पर इंफिनिटी बनेगा ये हमारा बनाएगा यहाँ पर पोल। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना आए तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इनफाइनाइट टर्म आए तो आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी, और अगर फाइनाइट टर्म आती है जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में बताया तो ये आपका पोल बनता है। क्योंकि पोल्स को लेकर हम रेजिड्यू निकालना सीखेंगे और रेजिड्यू से हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम बनाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पोल्स की या सिंगुलरिटी की। पोल्स और सिंगुलरिटी किसी फंक्शन के लिए कैसे फाइंड करते हैं? पोल्स एंड सिंगुलरिटी ऑफ द पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ फंक्शन एफ जेड। ठीक है, पोल से मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर हम जीरो रखते हैं जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है तो वो सिंगुलर पॉइंट कहते हैं उनको, और वही हमारे पोल बनाते हैं। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, द पॉइंट्स एट विच द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम्स इनफाइनाइट, मे पॉइंट जिन पर एफ जेड फंक्शन जो है वो आपका इन्फाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ठीक है, द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, वे पॉइंट जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है सिंगुलर पॉइंट तो कहलाते ही है, साथ ही साथ में उनको हम पोल भी कहते हैं। ठीक है, और पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसके डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रखते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड को हमें जीरो रखना होता है पोल्स को फाइंड करने के लिए। दूसरा, इसमें पोल्स का भी ऑर्डर होता है, जैसे जीरोज का ऑर्डर होता है ऐसे पोल्स का ऑर्डर होता है, जितनी फैक्टर की पावर होगी उतने ही ऑर्डर का पोल बनाएगा। ठीक है, वही मैंने लिखा है द पावर ऑफ द फैक्टर्स डिफाइन ऑर्डर ऑफ पोल। फॉर एग्जाम्पल इससे समझ लेते हैं, इस फंक्शन को हम लेंगे e की पावर z अपॉन z माइनस 1 की पावर 3 z माइनस 8, इसके पोल्स हम फाइंड करेंगे और उनके ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है, जो कि फंक्शन आपको दिया है वो लिख लेंगे, फिर हम फॉर द पोल्स, फॉर पोल्स जो डेफिनेशन हमें कहती है हमें पुट करना होगा डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो। तो यदि हम इसके डिनोमिनेटर को जीरो पुट करें तो उसका डिनोमिनेटर है जेड माइनस 1 की पावर 3 जेड माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो यहां पर तीन वैल्यू सेम आएगी 1 1 1, क्योंकि इस फैक्टर की तीन पावर है, इस फैक्टर की तीन पावर है तो तीन वैल्यू सेम आएगी 1 1 1, इस फैक्टर की एक पावर है तो एक ही बार में आपको वैल्यू मिलेगी जेड इक्वल टू 8। जो एक ही पावर की फैक्टर से मिली है वैल्यू वो हमारा सिंपल पोल कहलाता है, सिंपल पोल, या इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर, पोल ऑफ ऑर्डर 1, इसको हम 1 ऑर्डर का पोल भी कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो हमारा तीन बार रिपीटेड रूट आया जेड इक्वल टू 1 1 1, तीन पावर के फैक्टर से मिला है, तो ये जो पोल हमारा बनेगा पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो जितनी जिस फैक्टर की पावर होगी उतना ही रिपीटेड रूट आएगा और उतने ही ऑर्डर का पोल हमें मिलता है। 1 ऑर्डर का पोल आपका होगा सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रखेंगे, उसको जीरो रख करके जो पॉइंट आते हैं वो पोल होते हैं, उनका ऑर्डर आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। इन्हीं को हम सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। तो अब हम पोल्स निकालना जान चुके किसी भी फंक्शन एफ जेड के लिए, अब इन पोल्स पर हम रेजिड्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर दो तरह के पोल बनेंगे, एक तो होगा सिंपल पोल जो कि आपका 1 ऑर्डर का पोल होगा, या 1 से ज्यादा ऑर्डर के पोल होंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला यहां पर है रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल। यदि हमारे पास जेड इक्वल टू ए कोई पोल है, इस तरीके से जेड इक्वल टू ए कोई पोल है और ये सिंपल पोल है मतलब 1 ऑर्डर का पोल है, तो इस पर हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है रेजिड्यू आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए, जो भी पोल है लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए फैक्टर की मल्टीप्लाई एफ जेड के साथ। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, लिमिट वाला फॉर्मूला जेड माइनस ए एफ जेड और जेड टेंडिंग टू ए लिमिट लेते हैं, और जो हमारी आर की वैल्यू आती है वही हमारा सिंपल पोल पर रेजिड्यू होता है। ये तो हो गया उसके लिए फॉर्मूला जब आपका सिंपल पोल हो या 1 ऑर्डर का पोल हो। फिर हमारा फॉर्मूला होगा 1 से ज्यादा ऑर्डर के पोल के लिए। ठीक है, तो मैं जनरली m ऑर्डर के पोल के लिए लेके चलेंगे हम, है ना, फॉर्मूला जनरल हो जाएगा। फिर जितने ऑर्डर का पोल होगा, 3 ऑर्डर का पोल है तो m को 3 रख देंगे, 4 ऑर्डर का पोल है तो m को 4 रख देंगे। उसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को सभी पोल्स के लिए आगे यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका है रेजिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर m। यदि m ऑर्डर का पोल आपके पास हो जेड इक्वल टू ए,
उस पर हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन, लिमिट होती है जेड टेंडिंग टू ए जो कि पोल है, फिर अंदर आपका ब्रैकेट लगना है, ब्रैकेट में आपको एम माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में, डी एम माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एम माइनस वन, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, जेड माइनस ए फैक्टर की पावर एम इंटू एफ जेड का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एम ऑर्डर के पोल के लिए रेजिड्यू निकालने का। यहां पर m की वैल्यू जितने ऑर्डर पोल, जितना भी ऑर्डर निकलेगा पोल का उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर ऑर्डर आपका 2 है पोल का तो m की वैल्यू 2, ऑर्डर 3 है तो m की वैल्यू 3 इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। फॉर्मूले लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने बताए, सिंपल पोल पर रेजिड्यू निकालना और पोल ऑफ ऑर्डर m पर रेजिड्यू निकालना। फिर हम डिफाइन करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कोची रेजिड्यू थ्योरम। अगर आपको पोल्स और रेजिड्यू निकालने आ गए फिर हम फाइंड करते हैं कोची की रेजिड्यू थ्योरम को सीखते हैं। कोची रेजिड्यू थ्योरम जो कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूले थे, सारे क्वेश्चन वही आने वाले हैं इसमें भी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है कि हमें पोल निकालने हैं, रेजिड्यू निकालना है और थ्योरम लगानी है। इससे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं स्टेप वाइज। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कोची रेजिड्यू थ्योरम की। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, कोई क्लोज कर्व सी है इस तरीके से आपके पास, ये मैंने क्लोज कर्व सी मान लिया, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है क्लोज कर्व, यहां पर मैंने इस तरीके से क्लोज कर्व सी माना। तो एफ जेड जो है इसमें एनालिटिक है, इस क्लोज कर्व सी में एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, जिसके लिए आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो रख करके फाइंड करते हैं पोल्स को। तो कुछ पॉइंटों पर जो है हमारा फंक्शन एफ जेड एनालिटिक नहीं है और वो पॉइंट आपके लाइव इनसाइड सी, वो सी के अंदर लाई करते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि वो पॉइंट है हमारे, पहला पॉइंट है जेड वन, दूसरा पॉइंट है कहीं पर इस तरीके से जेड टू, है ना, और कहीं पर पॉइंट है जेड थ्री, ऐसे ही एंड पॉइंट मैंने मान लिया, फाइनाइट पॉइंट्स मैंने माने, जेड वन जेड टू जेड एन पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए। ये वे पॉइंट्स है जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इन पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देगा, इसलिए पोल कहलाएंगे, सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे कर्व के अंदर है। एंड समेशन आर इज द सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स, अगर ये पोल्स है तो हम इन पर रेजिड्यू निकाल सकते हैं, इनका ऑर्डर निकाल के, है ना। मान लिया मैंने इसका रेजिड्यू आया है आपका, इसका रेजिड्यू आया आर वन, ठीक है, इसका रेजिड्यू आया आर टू, ऐसे ही आर जेड थ्री का रेजिड्यू आया आर थ्री, और जेड एन का रेजिड्यू आया आर एन, ये मैंने इनके रेजिड्यूज मान लिए, ठीक है। अगर ये रेजिड्यूज है इन पोल्स के तो हम इनका सम निकाल सकते हैं, सम मतलब समेशन ऑफ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरीके से हम सबको जोड़ सकते हैं, ठीक है, सम इसका फाइंड कर सकते हैं। फिर आपकी कोची की रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर इस क्लोज कर्व सी में हमें एफ जेड का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो फॉर्मूला होता है टू पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज, जितने भी पोल्स हमारे कर्व के अंदर लाई करेंगे वही पोल लेने हैं जो कर्व के अंदर जाएंगे, उन पर रेजिड्यू निकालना है और ये फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू टू पाई आई और इन सम का, इन सभी रेजिड्यूज का सम जोड़ देना है रेजिड्यूज को, या ऐसे भी कह सकते हैं टू पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स लाइज इनसाइड सी, हमें केवल इसमें वही रेजिड्यूज निकालने हैं, वही पोल्स पर रेजिड्यूज निकालने हैं जो कर्व के अंदर होंगे। अगर कोई पोल कर्व से बाहर जाता है उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें केवल वही कंसिडर करने हैं जो हमारे कर्व के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू टू पाई आई और जितने भी आपके पोल्स है जो कर्व के अंदर है उन पर रेजिड्यू निकाल देंगे, उनको जोड़ देंगे, आर वन प्लस आर टू और प्लस इसी तरीके से हमारा आर एन, जितने भी पोल्स कर्व के अंदर है उनको जोड़ देंगे। तो ये होती है आपकी कोची की रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। इससे वो सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे जो आपने कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों में पढ़े हैं, है ना। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है कुछ इंटीग्रल फॉर्मूलों का, कॉम्प्लेक्स भी होता है थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें स्टेप वाइज चलना है। आपको पहले पोल निकालना है, पोल निकालने के बाद ये देखना है कि कौन कौन से पोल कर्व के अंदर है, ठीक है, फिर हमें उन पर रेजिड्यू निकालना है जो कर्व के अंदर है और फिर ये फॉर्मूला लगा के हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल मैंने उठाया इवेल्युएट बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, यही एग्जाम्पल मैंने कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले में भी कराया था, वही सेम एग्जाम्पल यहां पर उठाया, आंसर सेम ही आना है। इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है
और यहाँ पर जो सी है वो एक सर्कल दिया है मोड जेड इक्वल टू 4। सर्कल आप जानते हैं कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर होता है। जेड नोट होता है सेंटर, आर होता है रेडियस, ठीक है। तो जेड नोट की वैल्यू यहाँ पर 0 0 है जो कि सेंटर बनेगा, और रेडियस यहाँ पर इसकी 4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, ये पॉइंट हो जाएगा -4,0, ये पॉइंट होगा 0,4 और ये पॉइंट होगा 0,-4। ये हमें सर्कल यहां पर गिवन है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर्व सी कह देंगे। इस सर्कल में हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम जो भी इंटीग्रेशन के अंदर आपको फंक्शन दिया है उसको एफ जेड मान लेना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में लेट एफ जेड हमने कंसिडर किया साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई जेड माइनस वन का स्क्वायर और जेड माइनस टू। सबसे पहला काम पोल्स निकालना, ठीक है। तो पोल्स निकालने के लिए फॉर द पोल्स पुट कर देंगे इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0। अगर हम इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 पुट करें तो यहां से पोल्स आपको मिलेंगे जेड माइनस वन का स्क्वायर जेड माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहां से आपको जेड की वैल्यू मिलेगी 1,1 टू टाइम, क्योंकि 2 पावर का फैक्टर है, और यहां से जेड की वैल्यू मिलेगी 2 एक बार, क्योंकि 1 पावर का फैक्टर है, 1 बार वैल्यू आएगी। तो ये तो हो जाएगा सिंपल पोल, ये होगा सिंपल पोल, और ये हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो सबसे पहला काम कि जो भी फंक्शन दिया है उसके पोल को फाइंड करना, सिंगुलर पॉइंट को फाइंड करना इस तरीके से, फिर उसका ऑर्डर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपका दूसरा काम है कि जो पोल्स हमने निकाले हैं वो चेक करने हैं कि कितने क्लोज कर्व सी के अंदर है कितने बाहर है। जो क्लोज कर्व सी के अंदर होंगे उन पर रेजिड्यू निकालना है, जो बाहर जाएंगे उन पर रेजिड्यू हमें नहीं निकालना है। हमें हमारी थ्योरम ये कहती है कि हमें वही पोल्स लेने हैं जो कर्व के अंदर जाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका जेड इक्वल टू 1, और अगर जेड इक्वल टू 1 की बात करें तो इससे पॉइंट हमारा बनेगा जेड इक्वल टू 1+0 आई, जिसको हम 1,0 पॉइंट कह सकते हैं। ये पॉइंट आपको देगा जेड इक्वल टू 2,0 पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं क्योंकि 4 रेडियस है हमारी सर्कल की, ठीक है, 4 रेडियस है। तो जेड इक्वल टू 1 पॉइंट यहां पर होगा और कहीं पर जेड इक्वल टू 2 पॉइंट यहां पर होगा। ये 1,0 और ये आपका 2,0, यानी कि दोनों के दोनों पोल हमारे कर्व के अंदर लाई करते हैं। तो हमें दोनों पर ही रेजिड्यू निकालना होगा कोची की रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। लिख देते हैं बोथ पोल्स लाइज इनसाइड, बोथ पोल लाइज इनसाइड सी, दोनों के दोनों पोल सी के अंदर लाई करते हैं, ठीक है ना। तब हम इन पर रेजिड्यू निकाल देंगे। अब हम निकालते हैं पहले रेजिड्यू एट कौन से पोल पर, जेड इक्वल टू 2 पर निकालते जो कि सिंपल पोल है, ठीक है। सिंपल पोल पर रेजिड्यू का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर हम सारी वैल्यू रख देंगे, आर इक्वल टू लिमिट ए की वैल्यू है जो पोल है हमारा जेड टेंस टू 2, ठीक है, ए की वैल्यू यहां पर रखेंगे जेड माइनस 2, एफ जेड की वैल्यू रखेंगे हमारी ये वैल्यू है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस वन का स्क्वायर और जेड माइनस 2। ऐसा करने से पूरा पूरा फैक्टर कटता है, हमेशा याद रखिएगा ये फैक्टर जब भी होगा कोची की रेजिड्यू थ्योरम में ये हमेशा कटता है। 99% क्वेश्चन ऐसे है कि फैक्टर कटता है। इसको काटने के बाद जो भी बचा है उसमें जेड को 2 रख देंगे, जो लिमिट है जेड को 2 रखने पर ऊपर से आपको मिलेगा इज इक्वल टू, जेड को 2 रखने पर ये साइन 4π हो जाएगा, ठीक है, यहां पर कोस 4π हो जाएगा जेड को 2 रखने पर, और नीचे आपको मिलेगा जेड को 2 रखने पर 2-1 का होल स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। साइन 4π की वैल्यू 0 होती है, कोस 4π की वैल्यू 1 होती है, तो इसको सॉल्व करने पर आपको नीचे से भी 1 मिला, ऊपर से भी आपको 1 मिलेगा। ध्यान रखना कोस 2π, कोस 4π, कोस 6π हमेशा +1 देता है, और कोस पाई, कोस 3π, कोस 5π हमेशा -1 देता है। साइन एन पाई तो 0 होता है, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, नीचे से आपको 1 का स्क्वायर मिलेगा जो कि 1 ही आएगा, यानी कि जो हमारा एक रेजिड्यू आया है वो हमारा 1 आ गया पहले पोल पर। दूसरे पोल पर निकालते हैं रेजिड्यू,
रेजिड्यू एट, दूसरा पोल है जेड इक्वल टू वन, लेकिन वो जो पोल है वो दो ऑर्डर का पोल है तो इसलिए उसमें एम वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो पहले हम एम वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। एम वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होगा आपका रेजिड्यू का आर इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन, लिमिट जेड टेंस टू ए, ठीक है, और यहां पर होता है एम माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन, एम माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, जेड माइनस ए की पावर एम इंटू एफ जेड का, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एम होता है पोल का ऑर्डर, क्योंकि इस पोल का ऑर्डर टू है ना, इस पोल का ऑर्डर टू है तो एम की वैल्यू हम हर जगह पे टू चला देंगे और सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। इससे मिलेगा आर इक्वल टू वन अपॉन एम की वैल्यू टू रखेंगे, फैक्टोरियल टू माइनस वन, लिमिट ए की वैल्यू रख देंगे जेड टेंस टू वन, ये हमारी ए की वैल्यू होगी जेड टेंस टू वन, एम की वैल्यू जब टू रखेंगे तो टू माइनस वन यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन बचेगा डी अपॉन डी जेड, और यहां पर आपका आएगा जेड माइनस वन की पावर एम की वैल्यू टू, दो ऑर्डर का पोल है, ए की वैल्यू ये आपकी वन हो जाएगी जेड इक्वल टू, फिर इंटू में एफ जेड, एफ जेड आपका जो फंक्शन है वो हम रख देंगे, एफ जेड की वैल्यू ये है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाय जेड माइनस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस टू। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रखी, ए की वैल्यू वन क्योंकि पोल हमारा वन है, एम की वैल्यू टू क्योंकि इसका ऑर्डर टू है, और एफ जेड की वैल्यू जो आपका फंक्शन है वो रख दिया। ऐसा करने से फैक्टर पूरा पूरा कट जाएगा। इसको काटने के बाद जो हमारा बचेगा बाहर मिलेगा वन अपॉन फैक्टोरियल वन जो कि वन ही वैल्यू देगा, लिमिट जेड टेंस टू वन, अब हमारा यहां पर बचा है डी अपॉन डी जेड, और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, और डिवाइड में आपका जाएगा जेड माइनस, सॉरी ये फैक्टर नहीं कटेगा भाई, ये बाय मिस्टेक हो गया, फैक्टर कटेगा ये वाला जेड माइनस टू, ऐसे ही रहेगा तो ये फैक्टर कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा जेड माइनस टू। अब इसका हमें करना है एक बार डिफरेंशिएशन, फिर इसमें लिमिट रखनी है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए ऊपर भी जेड का फंक्शन है, नीचे भी जेड का फंक्शन, तो आपको यहां पर कोशेंट रूल लगा करके एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो कोशेंट रूल लगाते हैं, लिमिट जेड टेंस टू वन, कोशेंट रूल आपको ये कहता है कि जो डिवाइड में है उसका होल स्क्वायर, डिवाइड में जो है उसको एज इट इज, जो न्यूमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन पाई जेड स्क्वायर का कोस पाई जेड स्क्वायर, कोस पाई जेड स्क्वायर का माइनस साइन पाई जेड स्क्वायर, और चूंकि कंपोजिट फंक्शन है चेन रूल से पाई जेड स्क्वायर का दोबारा होगा पाई कॉन्स्टेंट और जेड स्क्वायर का टू जेड, माइनस इस बार न्यूमिनेटर को एज इट इज, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर को एज इट इज, और जेड माइनस टू का डिफरेंशिएशन वन। तो इस तरीके से ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर। अब इसमें जेड को वन डाल देते हैं, यदि आप इसमें जेड को वन डालते हैं हर जगह पर तो नीचे से मिलेगा वन माइनस टू का होल स्क्वायर जो कि माइनस वन का होल स्क्वायर वन ही वैल्यू देगा। यहां पर जेड को वन डालेंगे तो वन माइनस टू आएगा, यहां पर जेड को वन डालेंगे तो कोस पाई आएगा, है ना, माइनस यहां पर साइन पाई आएगा, ठीक है, और यहां पर आपको जेड को वन डालने पर टू पाई मिलेगा, यहां पर आपको माइनस साइन पाई मिलेगा, और ये आपको प्लस कोस पाई मिलेगा। तो इस तरीके से हम जेड की वैल्यू वन डाल देंगे तो ये मिलेगा, साइन पाई जीरो होता है, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वन माइनस टू माइनस वन होता है, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होगी, साइन पाई जीरो हो जाएगा, टू पाई यहां से मिलेगा, और यहां पर एक माइनस है, साइन पाई जीरो कोस पाई की वैल्यू माइनस वन, और डिवाइड में वन माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर जो प्लस वन देगा, और इसको सॉल्व अगर करे तो ये आपको माइनस माइनस प्लस टू पाई मिलेगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस वन मिलेगा। तो ये आपका दूसरे पोल पर रेजिड्यू आ गया, ठीक है, दोनों पोल पर रेजिड्यू आ चुका है। अब हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, नाउ बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, नाउ बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, कोची की रेजिड्यू थ्योरम यहां पर लगा देंगे,
कोची की रेजिडी थ्योरम होती है कि जो आपका इंटीग्रेशन सी होगा एफ जेड डी जेड वो बराबर होगा टू पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स लाइज इनसाइड सी। उन पोल्स पर रेजिड्यू निकालना है जो कि सी के अंदर लाई करते हैं और उन पर आपने दो रेजिड्यू निकाले हैं, एक ये वाला और एक ऊपर वाला। हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, इसको मैं R1 कह देता हूं, ठीक है, इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे दो रेजिड्यू हो जाएंगे, एक R1 और एक R2। तो ऐसे भी कह सकते हैं लास्ट में 2πi, दो ही रेजिड्यू है R1 प्लस R2, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। इधर इंटीग्रेशन में एफ जेड की वैल्यू रखेंगे, एफ जेड आपने जो फंक्शन माना था स्टार्टिंग में वो फंक्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एफ जेड की वैल्यू साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड माइनस टू, ये एफ जेड की वैल्यू थी 2πi। यहां पर रेजिड्यूज की वैल्यू रखेंगे, पहला रेजिड्यू जो हमारा आया था R1 की वैल्यू थी 1, है ना, R1 की वैल्यू थी 1 और R2 की वैल्यू है 2πi प्लस 1, यहां पर रख देता हूं 1 प्लस 2πi प्लस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2πi तो बाहर है, अंदर से मिलेगा 2πi प्लस 2 और इसमें से 2 कॉमन लेकर के आप लिख सकते हो 4πi इंटू पाई प्लस 1। तो ये आपने इंटीग्रेशन किया बाय यूजिंग कोची रेजिडी थ्योरम। यही क्वेश्चन आपने कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से भी किया था, लेकिन पहले उसमें कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगी थी। कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगाने के बाद कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगे थे, सिंपल फॉर्मूला और डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। ये प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, पहले पोल निकालो, वे पोल देख लो जो कर्व के अंदर है, फिर उन पर आपको रेजिड्यूज फाइंड करने हैं जो कर्व के अंदर है। दो फॉर्मूले होते हैं, सिंपल पोल का अलग, वन ऑर्डर के पोल का अलग और वन से ज्यादा ऑर्डर के पोल का अलग, दोनों मैंने फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज करे और लास्ट में जाके आपको थ्योरम लगा देनी होती है और थ्योरम लगा के कोची की रेजिडी थ्योरम से इंटीग्रेशन बहुत इजीली फाइंड हो जाता है। तो ये कोची की रेजिडी थ्योरम, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप लगाएंगे इंपॉर्टेंट शीट से जो मैंने आपको शीट शेयर कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर। अब हम इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। पहला एप्लीकेशन इसका होता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन में, है ना, कॉन्टूर इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोची रेजिडी थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन जो इंटर में आपसे सॉल्व नहीं हुए थे किसी भी मेथड से, वो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन की कोची रेजिड्यू थ्योरम को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन होता है जब आपको 0 से 2π लिमिट दी हो, फिक्स है ये टाइप होना चाहिए, 0 से 2π लिमिट दी हो और इस फंक्शन के अंदर आपको कोस थीटा देखने को मिले, साइन थीटा देखने को मिले और बाहर डी थीटा, यानी कि थीटा के ट्रम में आपका इंटीग्रेशन दिया हो, तो उसको हम कोची की रेजिडी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोची की रेजिडी थ्योरम से सॉल्व करने के लिए पहले इस इंटीग्रेशन को हमें जेड में कन्वर्ट करना होता है। तो जेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो वर्किंग रूल समझिए। सबसे पहले देखिए यहां पर जो आपको लिमिट दी है वो 0 से 2π दी है, इसका मतलब आपको एक सर्कल टाइप का कर्व लेना होगा। सर्कल में आप जानते हैं अगर पूरा राउंड लेंगे, यहां पर थीटा इक्वल टू 0 होता है, जब आप इस तरीके से पूरा राउंड लेंगे तो थीटा वैरी करेगा आपका 0 से लेकर 2π। थीटा कहां से तक वैरी करेगा, 0 से लेकर 2π। तो यानी कि हमें अगर 0 से 2π लिमिट दी है तो आप एक पूरा सर्कल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमने सर्कल को कंसीडर किया और इस सर्कल को मैं मान लेता हूं यूनिट सर्कल मतलब मोड जेड इक्वल टू 1, इसको कंसीडर किया, ये हमने कंसीडर किया और इस यूनिट सर्कल में सेंटर ओरिजिन होगा रेडियस 1, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल नहीं मानना है, एक छोटा सा सर्कल माना जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर इसका ओरिजिन है। तो इसमें हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं मोड जेड इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा इन सब की वैल्यू निकालनी है और इसको जेड में कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सर्कल की पोलर फॉर्म, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू अगर आर है तो उसकी पोलर फॉर्म होती है जेड इक्वल टू जेड नोट प्लस आर ई की पावर आई थीटा। ये हमारी सर्कल की पोलर फॉर्म होती है जो मैंने नीचे लिखी है आर और थीटा की फॉर्म में। आर होती है रेडियस, जेड नोट होता है सेंटर, ठीक है। तो यहां पर अगर इसी फॉर्मूले को यूज करें इस सर्कल के लिए
तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, जेड इक्वल टू जेड नोट, जेड नोट की वैल्यू यहां पर जीरो है और आर रेडियस की वैल्यू वन है, ई की पावर आई थीटा। तो इस कर्व के लिए जो हमारा जेड बनेगा वो ई की पावर आई थीटा बनेगा। फिर हम इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन डी जेड, इससे आपको मिलेगा ई की पावर आई थीटा और ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन ई की पावर आई थीटा, आई थीटा का दोबारा करेंगे तो आई कॉन्स्टेंट और डी थीटा का डी थीटा। इसको अगर यहां पर आप वैल्यू को रख दें, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू जेड है तो ये आई जेड डी थीटा बन जाएगा, यानी कि हमें एक वैल्यू फाइंड हो गई डी थीटा की, डी जेड अपॉन आई जेड, ये हमारी पहली वैल्यू हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे डी थीटा को जेड में बदलना है, डी थीटा को जेड में बदल सकते हैं डी जेड अपॉन आई जेड लेकर के। अब चूंकि जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा है तो आप यहां पर जेड की पावर माइनस वन यानी कि वन अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो होगी ई की पावर माइनस आई थीटा, वो क्या होगी e की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि अगर e की पावर आई थीटा की बात करें तो वो होता है कोस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ऐसे ही e की पावर माइनस आई थीटा की बात करें तो वो होता है कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, जो कि यहां पर आ गया, प्लस में प्लस साइन होता है, माइनस में माइनस साइन होता है। जेड की वैल्यू e की पावर आई थीटा और जेड वन अपॉन जेड की वैल्यू e की पावर माइनस आई थीटा, जो कि इस फॉर्म में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, देयरफॉर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर साइन थीटा की वाली टर्म कट जाएगी और यहां से मिलेगा टू कोस थीटा, यानी कि इससे आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कोस थीटा वाला। दोनों को घटा देते हैं, घटा देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ये आपको मिलेगा टू आई साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से आपको कोस थीटा की वैल्यू मिलेगी वन अपॉन टू और जेड प्लस वन अपॉन जेड, जिसको हम वन अपॉन टू जेड प्लस जेड की पावर माइनस वन भी कह सकते हैं। तो ये होगी दूसरी कंडीशन, कोस थीटा को हम जेड की फॉर्म में इस फॉर्मूले को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही साइन थीटा को अगर कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, इसको टू आई को डिवाइड में ले जाओ, वन अपॉन टू आई जेड माइनस वन अपॉन जेड, जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू आई जेड माइनस जेड की पावर माइनस वन। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन, साइन थीटा को हम इस तरीके से जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई तो बन जाएगा ये यूनिट सर्कल सी, तो जीरो से टू पाई तो बन गया यूनिट सर्कल सी, एफ फंक्शन सेम रहेगा, कोस थीटा की वैल्यू होगी जो हमने यहां पर फाइंड किया है वन अपॉन टू जेड प्लस जेड की पावर माइनस वन, ठीक है। फिर साइन थीटा की वैल्यू होगी जो हमने फाइंड किया वन अपॉन टू आई जेड माइनस जेड की पावर माइनस वन, फिर बाहर डी थीटा की वैल्यू है डी जेड अपॉन आई जेड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जीरो से टू पाई थीटा की फॉर्म में इंटीग्रेशन था, ये पूरा इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जेड की फॉर्म में बदल जाएगा, और अगर ये जेड की फॉर्म में बदल जाता है तो फिर हम इसमें कोची की रेजिडी थ्योरम लगा देंगे और कोची की रेजिडी थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन, कॉन्टूर क्योंकि पूरा क्लोज कर्व हम लेकर के चले हैं, क्लोज कर्व सी, तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन बनाता है, और कॉन्टूर इंटीग्रेशन में हमने थीटा के कर्व को, थीटा के फंक्शन को किस में बदला, इंटीग्रेशन को जेड में बदला है, और हम इसमें चूंकि अप्लाई करते हैं कोची की रेजिडी थ्योरम, तो ये एप्लीकेशन ऑफ कोची रेजिडी थ्योरम भी होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब मैं एक एग्जाम्पल में आपको यूज करना बताता हूं कैसे इसको यूज करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जो कि यूज होती है, कभी कभी हमें ना इंटीग्रेशन में लिमिट जो है वो जीरो से टू पाई ना दे करके, या तो दे दी जाएगी जीरो से पाई या दे दी जाएगी माइनस पाई से पाई, ये दो लिमिट दे दी जाती है। तो यदि इस तरीके से आपको लिमिट ये दे दी जाए तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई में ही फाइंड करना है, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो पूरे सर्कल के लिए बनाया है, तो जीरो से टू पाई में फाइंड कर लेंगे। फिर लगाते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी आपने इंटर में पढ़ी होगी, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी पहली ये होती है कि यदि इफ फंक्शन में अगर हम अपर लिमिट माइनस थीटा कर दें, ये एफ थीटा जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, अगर इसमें अपर लिमिट माइनस थीटा रख दे थीटा की जगह पे और सॉल्व करके वो एफ थीटा ही आ जाए, अपर लिमिट माइनस थीटा थीटा की जगह पे रखना है और सॉल्व करके वो एफ थीटा ही बन जाए, तब हम क्या करते हैं बाहर दो से मल्टीप्लाई और लिमिट को दो से डिवाइड कर सकते हैं। जब लिमिट दो से डिवाइड होगी तो
तो टू से टू कट जाएगा और वो पाई की फॉर्म में लिमिट आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये होती है पहली प्रॉपर्टी। यदि आपको जीरो से पाई लिमिट दी है तो आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगानी होती है, अपर लिमिट माइनस थीटा, थीटा की जगह पे रखना है फंक्शन में। अगर एफ थीटा बन जाए तो हम बाहर दो से मल्टीप्लाई और लिमिट को दो से, अपर लिमिट को दो से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम जीरो से पाई में फाइंड कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी तो आपकी आप जानते ही है कि अगर माइनस पाई से पाई लिमिट हो तो ये दो वैल्यू देगा, एफ थीटा का इंटीग्रेशन है, दो वैल्यू देगा। ओड पर ये जीरो हो जाएगा, इवन पर ये टू से मल्टीप्लाई लिमिट जीरो से हो जाएगी, जो आपने फोरियर सीरीज वगैरह में भी काफी यूज की है। तो वही प्रॉपर्टी होती है, माइनस पाई से पाई एफ थीटा डी थीटा है। अगर ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन हो, एफ थीटा कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो, यानी कि आप थीटा को माइनस थीटा रखें और एफ थीटा ही वापस मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इवन फंक्शन में दो से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट को जीरो से कन्वर्ट कर देते हैं, जीरो से पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि आपको माइनस पाई से पाई लिमिट दी है या जीरो से पाई लिमिट दी है तो ये दोनों दोनों डेफिनेशन, दोनों फॉर्मूले यूज करने होते हैं और दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हम इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। जितनी भी मैंने आपको कॉन्टूर इंटीग्रेशन में अभी बताया सबको इस एग्जांपल में यूज करना सिखाता हूं। पहला आपका है जीरो से टू पाई, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है वही कॉन्सेप्ट लगा के, पूरे इंटीग्रेशन को जेड में बदल के कोची की रेंजी थ्योरम से। फिर इसमें जीरो से पाई वाला भी वैल्यूएट करना है, माइनस पाई से पाई वाला भी वैल्यूएट करना है, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट जो ऊपर लिखे हैं फॉर्मूले ये भी लगा के आपको दिखाना है। एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में अगर देखे आप तो ये हमें कर्व दिया है जीरो से टू पाई डी थीटा अपॉन फाइव माइनस थ्री कोस थीटा। तो यूनिट सर्कल कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा सर्कल सी है जो कि एक यूनिट सर्कल है, मोड जेड इक्वल टू वन, जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है इसकी वन। तो ये वन जीरो पॉइंट, ये जीरो वन पॉइंट, ये जीरो सॉरी माइनस वन कोमा जीरो पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो कोमा माइनस वन पॉइंट। यूनिट सर्कल है तो उसके चारों पॉइंटों को डिनोट कर सकते हैं। पूरे इंटीग्रेशन को जेड में बदलने के लिए दो वैल्यू मुझे चाहिए, एक तो डी थीटा की जो अभी आपने निकाली थी डी जेड अपॉन आई जेड, एक कोस थीटा की जो अभी आपने निकाली थी वन अपॉन टू जेड प्लस वन अपॉन जेड। तो दोनों वैल्यू मैंने लिख दी, कंसिडर ए यूनिट सर्कल मोड जेड इक्वल टू वन। जेड अगर हम ई की पावर आई थीटा कंसिडर करते हैं तो डी थीटा की वैल्यू आएगी डी जेड अपॉन जेड, जो की डिटेल में अभी बताई है आपको। कोस थीटा की वैल्यू होती है वन अपॉन टू जेड प्लस वन अपॉन जेड। अब ये सारी वैल्यू जिसमें रख देंगे तो ये पूरा का पूरा जो कर्व है जेड की फॉर्म में बदल जाएगा इस यूनिट सर्कल को कंसिडर करके। तो ये जीरो से जो टू पाई लिमिट है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी में, इस क्लोज कर्व सी को लेंगे हम, यूनिट सर्कल मानेंगे। तो डी थीटा की वैल्यू रख देते हैं, डी थीटा की वैल्यू है डी जेड अपॉन आई जेड और ऊपर वन मिलेगा, यहां पर फाइव माइनस थ्री। कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू है वन अपॉन टू जेड प्लस वन अपॉन जेड, ये हमें मिल जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, तो ये आपको देगा इंटीग्रेशन सी और इसमें हम एलसीएम लेंगे नीचे। अगर नीचे एलसीएम ले तो टू जेड एलसीएम आएगा, टू इंटू जेड एलसीएम आएगा और यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा टू जेड एलसीएम आएगा माइनस थ्री जेड स्क्वायर और माइनस थ्री, ये इस तरीके से मिलेगा और ये हो जाएगा यहां पर प्लस के टेन जेड, ठीक है। और यहां पर बचा है डी जेड अपॉन आई जेड। अब क्या होगा, ये जेड से जेड कट जाएगा, जेड से जेड कटने पर जो आपको मिलेगा ये फंक्शन आपको देगा इंटीग्रेशन सी, तो इस तरीके से जेड हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन सी, इस आई को इस टू के साथ, टू पर जाके बन जाएगा टू इस तरीके से और आई को इसके साथ ले लेता हूं और यहां पर आपको मिलेगा, इसको थोड़ा सही करके लिखता हूं, माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस के टेन जेड और माइनस थ्री और यहां पर बचेगा डी जेड, ठीक है। तो ये हमारा जेड की फॉर्म में फंक्शन कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम फैक्टर फॉर्म में लेकर के आते हैं, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन सी, इंटीग्रेशन सी और इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर माइनस टू अपॉन आई हो जाएगा, नीचे माइनस कॉमन लेने पर मिलेगा थ्री जेड स्क्वायर और माइनस टेन जेड और प्लस के थ्री डी जेड, इस तरीके से आपको ये मिल जाता है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर फॉर्म में लेकर के आएंगे, है ना। या इसको डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली आप एफ जेड मान लो, ये जो भी फंक्शन आपका इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है इसको एफ जेड आप लेट कर सकते हैं।
एफ जेड डी जेड, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि इसमें हमें कोची की डायरेक्टिव थ्योरम लगानी है, तो एफ जेड इस तरीके से आपको कंसिडर करना होगा। अब हम इसमें एफ जेड को उठाते हैं। नाउ एफ जेड उठाएंगे, एफ जेड का मतलब है माइनस टू अपॉन आयोटा और डिवाइड बाई थ्री जेड स्क्वायर माइनस टेन जेड और प्लस थ्री। इसको पहले फैक्टर फॉर्म में लेकर के आते हैं, माइनस टू अपॉन आयोटा है ना, इससे मिल जाएगा आपको थ्री जेड स्क्वायर और थ्री थ्री, इसके फैक्टर इधर कर लेते हैं, थ्री जेड स्क्वायर और माइनस टेन जेड प्लस थ्री, अगर इसके फैक्टर किए जाए तो ये होंगे थ्री जेड स्क्वायर माइनस नाइन जेड माइनस जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको मिलेगा थ्री जेड कॉमन जेड माइनस थ्री, यहां से मिलेगा माइनस वन कॉमन जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि इसके जो फैक्टर आएंगे, इसके फैक्टर मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं, इसके फैक्टर हमें मिलेंगे थ्री जेड माइनस वन और दूसरा फैक्टर होगा आपका जेड माइनस थ्री। इस तरीके से हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, यहां से भी हम थ्री को कॉमन ले लेंगे ताकि आगे रेजिड्यू निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो थ्री को अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा डिवाइड से, इस वाले फैक्टर से थ्री कॉमन लेने पर जेड माइनस वन अपॉन थ्री, और यहां से मिलेगा जेड माइनस थ्री, और ये जो थ्री कॉमन लिया ये ऊपर ले जाते हैं, माइनस टू अपॉन थ्री आयोटा हमारा बन जाएगा। तो ये एफ जेड फॉर्म, एफ जेड जो है हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब एफ जेड को इस फॉर्म में लाने के बाद फिर हमें कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगानी है, एफ जेड हमारे पास आ गया। अब हमें इसके पोल्स फाइंड करने हैं, पोल्स के लिए डिनोमिनेटर जीरो रखना है, फिर देखना है कौन से पोल कर्व के अंदर है, उन पर रेजिड्यू निकालना है, तब जाके कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगा के इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो अब हम इसके पोल निकालते हैं, फोर पोल्स के लिए आप जानते हैं, ठीक है, पुट किया जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे तो जेड माइनस वन अपॉन थ्री और जेड माइनस थ्री को जीरो रखा जाएगा, यहां से जेड की वैल्यू आएगी वन अपॉन थ्री, यहां से जेड की वैल्यू आएगी थ्री, दोनों के दोनों सिंपल पोल है क्योंकि एक एक की पावर है फैक्टर की, यानी कि वन ऑर्डर के पोल है, लेकिन हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा पोल कर्व के अंदर जाएगा, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, सर्कल है वो हमारा यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में अगर देखें जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ये तो यहां पर जाएगा पॉइंट आपका इस तरीके से, जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री यहां पर होगा वन अपॉन थ्री कोमा जीरो पॉइंट, और जेड इक्वल टू थ्री आउटसाइड जाएगा, ये वन है तो जेड इक्वल टू थ्री लगभग इससे आगे जाएगा थ्री कोमा जीरो पॉइंट, यानी कि जेड इक्वल टू थ्री वो जो आउटसाइड चला जाएगा। हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, कौन सा पोल चाहिए जो कर्व के अंदर है, तो कर्व के अंदर एक ही पोल लाई करता है, वो है जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ये हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, ओनली जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री लाइज इन साइड सी, एक ही पोल हमारा कर्व के अंदर लाई करता है। तो अब इस पर निकालेंगे रेजिड्यू, देयरफॉर रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री, फॉर्मूला इसका होता है सिंपल पोल वाला फॉर्मूला, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, सबकी वैल्यू रख देंगे, लिमिट जेड टेंस टू वन अपॉन थ्री और जेड माइनस वन अपॉन थ्री ए की वैल्यू, एफ जेड की वैल्यू ये जो हमने फैक्टर फॉर्म में लिया है यही रखेंगे, माइनस टू अपॉन थ्री आयोटा डिवाइड बाई जेड माइनस वन अपॉन थ्री और जेड माइनस थ्री, इसको लेने का फायदा ये फैक्टर तो पूरा पूरा कट जाएगा, बाकी सभी जगह पर जेड को वन अपॉन थ्री रख देंगे, तो माइनस के टू टू अपॉन थ्री आई ऊपर है, यहां पर जेड को वन अपॉन थ्री माइनस थ्री रख देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से मिला आपको माइनस के टू अपॉन थ्री इंटू आयोटा और डिवाइड में यहां से मिलेगा आपको थ्री एलसीएम और इससे मिलेगा आपको वन माइनस नाइन जो कि माइनस एट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के टू अपॉन थ्री आयोटा और ये ऊपर जाकर के माइनस के थ्री अपॉन एट हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, टू से एट कट जाएगा, फोर मिलेगा, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट वन अपॉन फोर आई। तो जो हमारा रेजिड्यू आया है आर, उसकी वैल्यू आई है वन अपॉन फोर इंटू आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उस पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे जो कर्व के अंदर है, एक ही पोल कर्व के अंदर था, जो बाहर है उस पे हमें रेजिड्यू नहीं निकालना है अकॉर्डिंग टू कोची रेजिड्यू थ्योरम। अब हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, नाउ बाय
नाउ भाई शॉर्ट में लिखता हूँ सी आर टी, कोची रेजिडी थ्योरम। फॉर्मूला होगा आपका कोची रेजिडी थ्योरम का कि जो आपका इंटीग्रेशन है अराउंड द क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड वो बराबर जाएगा 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज के, ठीक है 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज। और ये जेड की फॉर्म में जो हमारा फंक्शन इंटीग्रेट हमें करना है कोची रेजिड्यू थ्योरम से, वास्तव में क्या था, ये 0 से 2 पाई था, ऊपर डी थीटा था, नीचे 5 माइनस 3 कोस थीटा था, ठीक है। ये हमें इंटीग्रेशन दिया था जिसको हमें फाइंड करना था, एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना। हाँ ये इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन को हमने जेड में कन्वर्ट किया था जिसमें हमने कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगाई है। अब तो इस तरीके से हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम यहां पर लगा सकते हैं, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जेड में कन्वर्ट करने के बाद कोची की रेजिड्यू थ्योरम से निकल जाएगा 2 पाई आई, और यहां पर जो रेजिड्यू आपने निकाला है वो एक ही रेजिड्यू है 1/4 आई। ऐसा करने से आई तो कट जाएगा, 2 से 4 भी हमारा कट जाएगा, और सॉल्व करके आपको मिलेगा π/2, यानी कि जो आपको इंटीग्रेशन दिया था 0 से 2 पाई d थीटा अपॉन 5 माइनस 3 cos थीटा, ये आपको वैल्यू देगा π/2, यानी कि जो हमारा एक इंटीग्रेशन है वो हमने फाइंड कर दिया। इसको मैं स्टार इक्वेशन कह देता हूं। तो ये तो हो गया कॉन्टूर इंटीग्रेशन से, 0 से 2 पाई वाला इंटीग्रेशन हमने कोची रेजिड्यू थ्योरम जेड की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है। साथ ही साथ में वहां पर आपको दो चीजें और पूछी गई थी कि एक तो आप इसी इंटीग्रेशन को 0 से पाई में फाइंड करो, एक तो हमें ये पूछा गया था, ठीक है, दूसरा हमें इसी इंटीग्रेशन को फाइंड करना है -π से π में। तो उसके लिए मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके दोनों इंटीग्रेशन फाइंड करने होते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज कैसी लगेगी, चलिए पहले इसको 0 से π के लिए सॉल्व करते हैं, है ना। अगर यहां पर देखे हेयर एफ थीटा की वैल्यू, एफ थीटा होगा जो आपके इंटीग्रेशन के अंदर है 1/5 माइनस 3 cos थीटा। प्रॉपर्टी थी कि अपर लिमिट 2π माइनस थीटा, हमें यहां पर थीटा की जगह पे रखना है बोथ साइड, तो यहां पर थीटा की जगह 2π माइनस थीटा और यहां पर भी थीटा की जगह पे 2π माइनस थीटा। और आप जानते हैं कि cos 2π माइनस थीटा cos थीटा के ही बराबर होता है, तो ये हमारा वही फंक्शन आ जाएगा जो कि हमारा ऊपर एफ थीटा है, यानी कि इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देन फ्रॉम स्टार स्टार इक्वेशन क्या कहती है कि आप क्या करेंगे, 2 से बाहर मल्टीप्लाई और लिमिट को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपकी यहां पर लग जाएगी। यह डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, अगर अपर लिमिट माइनस थीटा, थीटा की जगह पे रखने पर एफ थीटा ही आ जाए तो ये प्रॉपर्टी लगती है, लिमिट में 2 से डिवाइड और बाहर 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से 2 से 2 कट जाएगा और इससे आपको ये जो 2 है इसको इधर ले आओ, ये π/4 बन जाएगा। इसको सॉल्व करके मिलेगा 0 से π d थीटा अपॉन 5 माइनस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू आएगी π/4, ठीक है, यानी कि ये इंटीग्रेशन हमारा फाइंड हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी को यूज करके। अब हम दूसरा इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, दूसरा इंटीग्रेशन है -π से π, उसमें हम इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। तो जो एफ थीटा है इंटीग्रेशन के अंदर वो हमारा है हेयर, एफ थीटा की जो वैल्यू है वो है 1/5 माइनस 3 cos थीटा। पहले ये चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ओड है, तो बोथ साइड आपको थीटा को माइनस थीटा रखना पड़ेगा। थीटा को माइनस थीटा रखने पर, चूंकि आप जानते हैं कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही बन जाता है, तो ये फंक्शन वही बन जाएगा जो कि आपको दिया था, ये एफ थीटा ही बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि जो एफ थीटा है वो हमारा इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि 2 से बाहर मल्टीप्लाई और लिमिट को 0 से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डाल देते इक्वेशन नंबर 2 या डबल स्टार कह देता हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफोर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस इंटीग्रेशन को जो -π से π इंटीग्रेशन था, -π से π डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 cos थीटा, चूंकि ये इवन फंक्शन है तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई और लिमिट को 0 से कन्वर्ट कर देते हैं, चूंकि ये इवन फंक्शन है,
ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने डबल स्टार इक्वेशन में फाइंड कर रखी है, जीरो से पाई इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू है पाई अपॉन फोर, तो टू इंटू पाई अपॉन फोर हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग ये भी आपको पाई बाई टू वैल्यू देगा, ठीक है। लिख देना कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम डबल स्टार वाली इक्वेशन से। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की दोनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करके कोची रेजिडी थ्योरम वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट में ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसका दूसरे तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम बाय यूजिंग कोची रेजिडी थ्योरम, है ना। कॉन्टूर इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ कोची रेजिडी थ्योरम, और वो इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स टाइप का, ठीक है। जो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिए होते हैं, जिसमें एक्स टाइप का फंक्शन दिया होता है, उसको हम कोची की रेजिडी थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्टूर इंटीग्रेशन का यूज करके, इसको एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको डायरेक्टली। अप्लाई कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डीएक्स, यानी कि जो आपको इंटीग्रेशन दिया है वो इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन आपको गिवन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डीएक्स। इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, जो कि रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन है, जो कि इंटर वाले मेथड से सॉल्व नहीं होगा। इसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कोची रेजिडी थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, इसको हम कॉन्टूर इंटीग्रेशन में बदलेंगे। कॉन्टूर इंटीग्रेशन में बदलने का जो तरीका है वो समझना होगा, क्योंकि स्टेप वाइज ही क्वेश्चन को करना होता है। सबसे पहली स्टेप यहाँ पर है, पहले स्टेप ये होती है, जो भी इंटीग्रेशन आपका है उसको आपको इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड मान लेना है, और सी क्लोज कर्व होगा वो कैसे बनेगा वो समझना है आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जो हमारा बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन सी, पूरा इंटीग्रेशन जेड में बदल जाएगा, वन प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड। लेकिन यहां पर जो सी क्लोज कर्व लेंगे वो समझिएगा क्या लेंगे हम यहां पर, चूंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है वो रियल लाइन को कवर करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, ये रियल लाइन को कवर करेगा। लेकिन हम यहां पर एक ऐसा सर्कल लेते हैं जो लार्ज रेडियस का है, और वो लार्ज रेडियस मैंने कवर की कैपिटल आर, सेंटर लिया ओरिजिन, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आर, ये हो जाएगा प्लस आर। तो हमने आधा तो माना है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो ऊपर बना है ये सेमी सर्कल होगा आपका, जिसको हम सी आर कह सकते हैं, सी और ये कैपिटल आर ऊपर वाला सेमी सर्कल, और यहां से यहां तक बन गई रियल लाइन। इसको मैं किसी दूसरे कलर से आपको बताता हूं, यहां से यहां तक बन गई रियल लाइन, ये वन, ठीक है। तो ये रियल लाइन यहां से यहां तक, और ये सेमी सर्कल यहां से यहां तक, ये रियल लाइन और सेमी सर्कल दोनों मिलकर के एक क्लोज्ड कर्व बनाएंगे, जो मैंने शेडेड किया है, सेमी सर्कल सी आर और ये रियल लाइन जिसको आप इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस आर से आर, ये दोनों मिलकर के क्लोज कर्व बनाएंगे, और उस क्लोज कर्व को हमने नाम दिया है सी का, जो कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन बनाएगा। तो सी है क्या, सेमी सर्कल और प्लस ये रियल लाइन इंटीग्रेशन माइनस आर से आर, और चूंकि आर लार्ज रेडियस का सर्कल हमने कंसिडर किया है ना, रियल लाइन पर जो आर है वो लार्ज नंबर है, इसको हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे, तब जाके लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आती है। कैसे आएगी समझेंगे आगे। तो यहां पर इस इंटीग्रेशन को हमने जेड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सी जो है वो हमारा क्लोज कर्व बनेगा जो शेडेड किया है दो चीजों से, एक तो आधा सर्कल ऊपर वाला और रियल लाइन आपकी माइनस आर से आर इंटरवल, ठीक है। ये होती है पहली स्टेप जो आपको हर क्वेश्चन में फिगर के साथ में इस तरीके से एक्सप्लेन करनी होती है। दूसरा इसमें आता है कोची की रेजिडी थ्योरम। कोची की रेजिडी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं दूसरी स्टेप में, इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। कोची की रेजिडी थ्योरम वैसे तो आप जानते हैं कि माइन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड हमें कोची की रेजिडी थ्योरम से फाइंड करना होता है। इसका फॉर्मूला होता है टू पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यू, ये पार्ट के इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोची की रेजिडी थ्योरम कहती है। लेकिन जो हमारा इंटीग्रेशन सी है वो दो हिस्सों में टूटेगा, आधा तो ये सेमी सर्कल जो कि सी आर के अबाउट निकलेगा, और आधी ये रियल लाइन जो कि माइनस आर से आर पर निकलेगी। रियल लाइन पर रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन है तो एक वेरिएबल एक्स चलेगा, और यहां पर सेमी सर्कल जो है वो दो वेरिएबल एक्स और वाई में चलेगा।
तो इसको हम वैसे तो कोची की राजनीतिक क्रम से ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व सी दो हिस्सों में ब्रेक हो रखा है, एक तो रियल लाइन माइनस आर से आर, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा माइनस आर से आर किसका, एफ एक्स का, क्योंकि रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन रियल लाइन है, रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन बनेगा तो एक्स वेरिएबल यूज करके चलेंगे फंक्शन में, और दूसरा बनेगा आपका अपर हाफ जो ये आपका सेमी सर्कल है सी आर, सी आर में एफ जेड को फाइंड करेंगे जो दो वेरिएबल में चलेगा, ठीक है। तो अगर आ जाए कोची की राजनीतिक क्रम से तो ये बराबर होगा इसके, और अगर जाए अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने कंसिडर किया है सी, तो वो दो इंटीग्रेशन बनेंगे, एक तो ये माइनस आर से आर और एक बनेगा एक सेमी सर्कल सी आर के बाउंड। दूसरे स्टेप में आपको ये हमेशा लिखना होता है, इसको हम इक्वेशन वन डालते हैं। थर्ड स्टेप में आपको हर बार ये लिमिट निकालनी है, लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी जेड एफ जेड की, और ये लिमिट आपकी हमेशा जीरो आनी चाहिए, ये लिमिट क्या आनी चाहिए, हमेशा जीरो आनी चाहिए। अगर ये लिमिट जीरो आती है तो ये आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जो दूसरे वाला इंटीग्रेशन है ये हमेशा जीरो वैल्यू देगा, लेकिन ये लिमिट जीरो आएगी तब ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो उसको देखते हैं हम इस क्वेश्चन में जीरो आएगी या नहीं आएगी, है ना। इसमें मैंने रखा लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी जेड इंटू एफ जेड, एफ जेड जो कि आपको इंटीग्रेशन दिया था ऊपर, एफ जेड की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/1 + z² का होल स्क्वायर, यहां पर रख देते हैं 1/1 + z² का होल स्क्वायर। और अगर यहां पर देखें अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, एक जेड ऊपर है, नीचे से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लेकिन पावर टू की वजह से जेड की पावर 4 बाहर मिलेगा, तो ये 1/z² + 1 का होल स्क्वायर बनेगा। एक जेड से एक जेड कट जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी 1/z और 1/z² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड को इन्फिनिटी रखने पर 1/∞ और ये आपको 1 0+1 का होल स्क्वायर मिलेगा। 1/∞ का मतलब जीरो होता है, यानी कि ये जो लिमिट है ये हमारी लिमिट जीरो आ जाएगी। और अगर ये लिमिट जीरो आती है तब आपको ये हमेशा लिखना होता है कि आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये जो सेमी सर्किल के अबाउट में एफ जेड का इंटीग्रेशन होगा ये हमेशा जीरो होगा। यदि ये लिमिट जीरो आती है तो ये लिमिट जीरो आएगी, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम है स्टेप फोर में, ये जो इक्वेशन वन हमने बनाई थी इसमें आर को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराना है, तभी तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया था। तो हम क्या करेंगे, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे इक्वेशन वन में, अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे इंटीग्रेशन हमारा सेम रहेगा, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बन जाएगा, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर यहाँ पर लिमिट लगा देंगे इस इंटीग्रेशन में, जो इंटीग्रेशन है इक्वल वाला पार्ट 2πi सम ऑफ रेजिड्यू सेम रहेगा। और ये आपने इक्वेशन टू में जस्ट अभी फाइंड किया है कि ये जो वैल्यू है इक्वेशन टू में आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है जीरो के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, जीरो हो जाएगी ये टर्म, इससे क्या होगा ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो आपको हर क्वेश्चन की चार स्टेप में इतना वर्क करके दिखाना होता है। इससे आपको ये पता लग गया कि जो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन दिया है वो वास्तव में क्लोज कर्व सी के अबाउट में फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग कोची की राजनीतिक थ्योरम। तो चार स्टेप में तो आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। अब हमारा काम है एफ जेड के लिए पोल निकालना, फिर वो पोल देखना जो कि हमारे कर्व के अंदर लाई करते हैं, फिर उन पर रेजिड्यू निकालना, फिर रेजिड्यू की थ्योरम लगा के इक्वेशन थ्री में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से पोल कर्व के अंदर लाई करेंगे। फाइंड द रेजिड्यू एट द पोल लाइज इन साइड सी यूज इन इक्वेशन थ्री, फिर रेजिड्यू को हमें यूज करना होता है, तो ये हमारा मेथड है, अभी मैं इसको यूज करूंगा मेथड को। तो पोल्स को निकालने के लिए एफ जेड को उठा लेते हैं। नाउ एफ जेड जो फंक्शन है आपका वो है 1/1 + z² का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + z² के फैक्टर होते हैं z + iota × z − iota का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर भी पावर 2 है, 1 + z² के फैक्टर लिखे हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तो z + i² और z − i² मिलेगा। पोल्स के लिए डिनोमिनेटर को जीरो रख देते हैं, फोर पोल्स पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो, इससे आपको मिलेगा z + i²
और जेड माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहां से जेड की वैल्यू माइनस आई दो बार आएगी, यहां से जेड की वैल्यू आई आई दो बार आएगी, ठीक है। इसका मतलब है जीरो कोमा माइनस वन पॉइंट, इसका मतलब है जीरो कोमा वन पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है दो बार आया है तो ये दो ऑर्डर का पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर टू, ये भी आपका दो बार आया है तो ये भी दो ऑर्डर का पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर टू। अब आपको देखना है कि इन दोनों पोल में से z इक्वल टू माइनस आई यानी कि जीरो माइनस वन पॉइंट में से और z इक्वल टू आई जीरो वन पॉइंट में कौन सा हमारे कर्व के अंदर है जो हमने कंसीडर किया है। तो एक पॉइंट है जीरो वन, एक पॉइंट है जीरो माइनस वन। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वो कर्व के अंदर लाई करेगा। तो जीरो वन पॉइंट जाएगा आपका लगभग यहां पर और जीरो कोमा माइनस वन पॉइंट जाएगा इसके जस्ट अपोजिट में। तो आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हमारे इस कर्व से जो हमने क्लोज कर्व सी लिया है जो कि रियल लाइन माइनस आर से आर और सेमी सर्कल से मिलकर बना है, ये पॉइंट कर्व से बाहर चला जाएगा। तो हमें इस पर रेजिड्यू नहीं निकालना है, हमें रेजिड्यू निकालना है केवल इस पॉइंट पर जो कि जेड इक्वल टू आई पॉइंट है। तो अब हमारा काम है जेड इक्वल टू आई पर रेजिड्यू निकालना जो कि हमारा कर्व के अंदर लाई करता है। यहां पर हम लिख देंगे लाइज इनसाइड सी, क्योंकि सी के अंदर लाई करता है तो इसी पर हम रेजिड्यू निकाल देंगे। देयरफॉर रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू आई पर, क्योंकि दो ऑर्डर का पोल है तो फॉर्मूला लगेगा आर इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन लिमिट जेड टेंस टू ए एम माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन तो m माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा और यहां पर होता है z माइनस ए की पावर m और ये इंटू में एफ जेड आता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि पोल ये हमारा दो ऑर्डर का है तो इसमें m की वैल्यू को हम 2 डाल देंगे, इससे आपको मिलेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 और लिमिट z टेंडिंग टू i हो जाएगा जो कि हमारा पोल है। m की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अंदर आपको मिलेगा z माइनस आई की पावर m, m की वैल्यू दो ऑर्डर का पोल 2 है, एफ जेड की वैल्यू जो ऊपर हमने फैक्टर फॉर्म में ली थी वो रख देंगे, z माइनस आई का होल स्क्वायर z प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये फैक्टर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और ये फैक्टर अगर कटता है तो इसको काटने के बाद वन अपॉन फैक्टोरियल वन बाहर वन मिलेगा, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा और यहां पर आपको मिलेगा d अपॉन डी जेड एक बार डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जेड प्लस आई की पावर 2 का। और अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन आप करते हैं लिमिट z टेंस टू आई, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलेगा z माइनस आई की पावर ऊपर जाकर के माइनस 2 हो जाएगी तो डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 और z प्लस आई की पावर माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3 पावर होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं z प्लस आयोटा की पावर 3 नीचे ले जाकर के ये डिफरेंशिएशन होगा, इसमें जेड को आई डाल देते हैं तो ये मिलेगा आई प्लस आई की पावर 3 और आफ्टर सॉल्विंग माइनस 2 अपॉन आई प्लस आई का मतलब 2 आई की पावर 3, ठीक है। और इससे आपको मिलेगा माइनस 2 ऊपर से, 2 की पावर 3 का मतलब 8, आई की पावर 3 का मतलब आई स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। 2 से 8 कट जाएगा जो कि 4 बचाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है इससे ये माइनस कट जाएगा, ऊपर से आपको मिला 1 नीचे से मिला 4i, तो ये हमारी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज इसको इक्वेशन 1 में यूज कर देते हैं, यूजिंग इन 1 इक्वेशन। अगर 1 में यूज करें तो जो हमारा इंटीग्रेशन था माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, वो हमने कन्वर्ट कर दिया था इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड में और फॉर्मूला था 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज। इक्वेशन 3 में जो हमने बनाया था सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सबसे पहले तो इधर एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एफ एक्स की वैल्यू थी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स और इसमें हमने कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगाई है इधर और ये आपको मिलेगा 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज यानी कि आर की वैल्यू 1 अपॉन 4 आई। ऐसा करने से आई कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, सॉल्व करके आपको पाई बाई 2 इसके लिए फाइनल आंसर मिलेगा। तो जो भी आपको माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एफ एक्स टाइप का इंटीग्रेशन दिया होगा
उस इंटीग्रेशन को आप जेड में कन्वर्ट करेंगे इस मेथड से, वो चार स्टेप जो ऊपर बताई, पांचवी स्टेप में कोची की रेसिड्यू थ्योरम लगा के वो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जेड की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही हमारे कर्व के अंदर लाई करती है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। डिटेल में आप वीडियोज मैंने अपलोड कर रखी, डिटेल में अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप उन वीडियोज को देख करके कर सकते हैं। इस वन शूट में मैंने इसे एक एग्जाम्पल से इस मेथड को आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन वाला वन शॉट था वो इस वीडियो से कंप्लीट होता है, और इतना ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 पांचों यूनिट के हमारे जो वन शॉट रिविजन है वो कंप्लीट हुए, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वन शॉट रिविजन से क्या काम चल जाएगा, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, जो मैंने शीट दे रखी है उससे। इसमें केवल आपको रिवाइज करना है, एक ही क्वेश्चन आपको मैंने किसी मेथड का इसमें कराया है ना, तो उससे आपका केवल रिवीजन होगा। और मैथमेटिक्स में क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएशन होते हैं, तो अगर आपको ज्यादा वेरिएशन क्वेश्चन के चाहिए तो आपको डिटेल लेक्चर्स भी देखने होंगे, इस वन शॉट से काम नहीं चलता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।